This call is now being recorded. Right. ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने यहाँ पे रखे थे विच वर गिवन टू यू एज होमवर्क. वी हैव गिवन यू दिस क्वेश्चंस. सम ऑफ द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. ये हम क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके थे और ये कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे थे. तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, सो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं एंड देन फिर हम यहाँ पे अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. सो यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 96. यू कैन सी दिस क्वेश्चन 96. आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है एंड देन यू हैव टू रेज योर हैंड. तो फटाफट इसको आप मैच द फॉलोइंग के अंदर डालिए सही तरीके से एंड प्लीज क्विकली रेज योर हैंड ताकि हम इसका आंसर निकाल सके और आगे बढ़ सके. राइट. अब आप बोलोगे कि सर हमने टर्नर सिंड्रोम तो पढ़ा नहीं है. तो अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी आपको इसका आंसर तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. यू शुड बी एबल टू गिव मी द आंसर इवन आफ्टर दैट. ठीक है. सो ठीक है सिद्रा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर बताइए. सर ऑप्शन थर्ड. आप ऑप्शन थ्री के रहो. यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप ही मुझे पूछ रहे हो. दीक्षा आपको क्या लग रहा है? नो सर, ऑप्शन थ्री. अर्चना आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन थ्री. Alright, चलिए ऑप्शन थ्री देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है. सो एक्स 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 जीरो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप समझ जाते हो ये आपका लाके लगेगा आपके यहाँ पे ग्रास हॉपर के साथ. इट विल गो एंड अटैच विद द ग्रास हॉपर. देन एक्स 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 वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो आपका यहाँ पे है बी वाला, ये जाके आपका मैच करेगा आपका यहाँ पे. सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन व्हाट. ये चीज आपको किसके अंदर देखने को मिल सकती है जहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्स आपके यहाँ पे है फीमेल्स एंड दे आर गोना बी होमोगैमेटिक. सो यस, बी के साथ मेरे यहाँ पे फोर आ सकता है. राइट. देन यू हैव ZZZW. ये आप जानते हो आपको बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ZW जो यहाँ पे होगा दैट्स गोना बी हेटरोगैमेटिक फीमेल. तो यस, डी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा टू. तो अल्टीमेटली सी के साथ मेरा यहाँ पे वन आ जाएगा. सो दैट इज वाई यस ऑप्शन थ्री बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. राइट. चलिए अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टडी समथिंग एल्स. कुछ एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो हमने काफी टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ पे देख चुके हम लोग. यहाँ पे एक और यहाँ पे हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं haploid diploid sex determination. So this one more kind of sex determination जिसे हम कहते हैं यहाँ पे ऐसा haploid diploid sex determination. अब ये जो सेक्स डिटरमिनेशन जो हम यहाँ पे देखने वाले, ये आपको मिलता है देखने के लिए आपका हनीबीज के अंदर. इसके एग्जांपल अगर हम बात करें, सो एग्जांपल आपके यहाँ पे आएंगे हनीबीज. सो हनीबीज आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर माय हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन. इसमें आपको क्या मिल जाएगा देखने के लिए, सुनो ध्यान से. हनीबीज के अंदर क्या होता है, व्हाट डू फाइंड इन हनीबीज ना, लाइक अगर एक स्पर्म है और वो स्पर्म आपका होगा ऑब्वियसली स्पर्म इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड और ये स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है जब एग के साथ, जब ये स्पर्म जाके फ्यूज करता है एग के साथ. ओके, याद रखना हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं 16 हमेशा. इसमें भी आपके 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे. जब यहाँ पे ये फ्यूज करेगा देन यू विल हैव अ डिप्लॉइड जायगोट विल बी फॉर्म्ड. आपके यहाँ पे बनेगा आपके यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट. सो यू विल ऑलवेज हैव अ डिप्लॉइड जायगोट. अब जो ये डिप्लॉइड जायगोट आपको बनते हुए मिलता है हनीबीज के अंदर, ये डिप्लॉइड जायगोट बेसिकली डेवलप करेगा फीमेल के अंदर. This zygote will ultimately develop into a female. ये हनीबी के कॉलोनी के अंदर याद रखना, मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद, मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद आपका हमेशा जो डिप्लॉइड zygote बनेगा that will always turn into a female. अब फीमेल हनीबी के कॉलोनी में कौन होता है? तो फीमेल होती है दो लोग, एक तो होते हैं वर्कर्स जो पूरा टाइम काम करते हैं वहां पे और दूसरी होती है आपके यहाँ पे क्वीन. So queen and workers are only females in the honeycomb. So honey जो beehive होता है उसके अंदर जो females होती है वो दो लोग होते हैं, workers and queens. Queens तो कुछ काम नहीं करती, वो तो बैठी रहती है एक जगह पे, like उसको सब लोग नरिश करते हैं, वो आपके यहाँ पे होते हैं workers. So they are the two female organisms या female honeybees in the beehive. तो beehive में याद रखना, जब भी आपका male sperm fuse करेगा egg के साथ, जब आपका diploid zygote बनेगा, ये diploid zygote will turn into a female. Okay. On the other hand, दूसरे तरीके से अगर आप यहाँ देखो, दूसरी चीज जो आप यहाँ देखोगे वो ये होता है कि ये जो फीमेल हनीबी होगी, ये जो फीमेल आपकी हनीबीज होंगी, अब जो वर्कर होती है ना, ये तो कभी भी एगले नहीं करती. वर्कर्स जो बी होती है कभी अपना एगले नहीं करती. क्वीन होती है जिसका काम होता है एग को ले करना. सो क्वीन होती है जो मैच्योर होने के बाद एगले करेगी. राइट.
अब क्वीन जब एगले करती है तो याद रखना जब ये एगले करेगी तो एग तो हमेशा हैप्लॉइड होंगे, याद रखना ये जो दोनों हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है दे आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड एनिमल्स, दे आर ऑल डिप्लॉयड क्योंकि डिप्लॉयड जागरूक से बने हैं। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना इंटरप्ट करके, हैंड रेज करके। सो यू हैव अ क्वीन ओवर हियर। अब क्वीन जो यहाँ पे होती है जब ये एगले करती है तो क्वीन जब एगले करेगी तो एग यहाँ पे होंगे आपके हैप्लॉयड। सो याद रखना क्वीन आएगी और क्वीन एगले करेगी और जब भी ये एगले करेगी द एग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉयड। सो एग्स यहाँ पे जो आपके होते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉयड। अब ये जो हैप्लॉयड एग्स होते हैं, ये जो हैप्लॉयड एग होते हैं अगर ये एग को फर्टिलाइज नहीं किया जाता, सो ये समझो ये जो चार हमने यहाँ पे ले किए हैं यहाँ पे दीज आर माई हैप्लॉयड एग्स, दीज आर योर हैप्लॉयड एग्स। अब ये जो हमने यहाँ पे हैप्लॉयड एग्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये हैप्लॉयड एग्स जो आपके यहाँ पे होंगे इनको अगर हम फर्टिलाइज नहीं कर रहे, अगर इसको मेल गैमेट के साथ अगर हम फर्टिलाइज नहीं कर रहे तो याद रखना दे विल फॉर्म इनटू अ मेल हनी बी। तो यहाँ से आपके बनेंगे, अगर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा देन दे विल टर्न इनटू अ मेल हनी बी, तो इनमें से आपका मेल हनी बी बन के निकलेगा। तो अनफर्टिलाइज एग में से, याद रखना अनफर्टिलाइज हैप्लॉयड एग में से आपके मेल हनी बी निकल के आते हैं, सो विल फाइंड मेल हनी बी विल बी फॉर्म। और जो मेल हनी बी आपके यहाँ से निकल के आएंगे इनका नाम, इनको हम यहाँ पे कहते हैं एज अ ड्रोन्स, वी कॉल देम एज अ ड्रोन्स। याद रखना ड्रोन्स जब भी आपके सामने टर्म आ रहा है एक बीहाइव के अंदर, सो दे आर ऑल गोइंग टू बी माय मेल हनी बीज। तो याद रखना मेल हनी बीज क्या होते हैं, दे आर हैप्लॉइड। मेल हनी बीज जो वहां पे होते हैं तो आपके हमेशा वहां पे रहेंगे हैप्लॉइड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कहां से बन रहे वो, फ्रॉम द हैप्लॉइड एग। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपका एनिमल बन गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन योर मेल हनी बीज बीन फॉर्म। सो एग में से डायरेक्टली आपके मेल हनी बी यहाँ पे बन गए विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपको याद ही रखना है कि आपके जो ड्रोन्स होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे हैप्लॉइड। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि जो भी मेल्स आपको मिलेंगे ना बीहाइव के अंदर वो सारे के सारे आपके आपके हैप्लॉइड होंगे। और ये जो इवेंट यहाँ पे हुआ, तो पता है आपने एक टर्म सुना था प्लांट्स के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पिंग, सुना होगा आपने? यहाँ पे आपको एक और टर्म आपको मिलेगा, दैट इज माय पार्थेनोजेनेसिस। हियर यू हैव अ टर्म कॉल्ड एज योर पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज अ टर्म दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ ऑफस्प्रिंग, फॉर्मेशन ऑफ अ एम्ब्रियो विदाउट नीड ऑफ अ फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे विदाउट नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन योर एम्ब्रियो एंड द न्यू इंडिविजुअल हैज बीन फॉर्म्ड। सो पार्थेनोजेनेसिस टर्म याद रखना, ये हम एनिमल्स के लिए जनरली हम ये टर्म यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे मेल हनीबी जो आपके यहाँ बनाए गए दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये कहानी याद रखना। अब आप सोचोगे कि सर ये स्पर्म फिर कहाँ से आ रहा है, तो ये बात भी आप समझो कि मेल हनीबीज ही स्पर्म बनाते हैं। तो अब इमेजिन करो कि एक मेल हनी बी है, इमेजिन करो एक मेल हनी बी है, राइट, जिसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ ड्रोन। सो मेल हनी बी जो आपका यहाँ पे होगा ये तो आपका होता है हैप्लॉइड, ये तो आप जानते हो दिस एनिमल इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। ये जो मेरा हैप्लॉइड एनिमल यहाँ पे, ये जो हैप्लॉइड मेल हनी बी यहाँ पे मेरा होगा, इसको अगर स्पर्म बनाने होंगे इसके बॉडी के अंदर तो बनेंगे वाया माइटोसिस। डिप्लॉइड नहीं है तो मियोसिस करने का तो कोई चांस ही नहीं है, समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि ये हैप्लॉइड एनिमल है तो यहाँ पे मियोसिस तो कर नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो इसके अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, याद रखना इनके अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन जो इनके अंदर होता है, दैट स्पर्म फॉर्मेशन इज हैपनिंग वाया माइटोसिस। सो वाया माइटोसिस यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना। तो याद रखना मेल जो हनी भी होते हैं वो बिल्कुल फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल होते हैं और ये इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि अपने स्पर्म्स बना सके। सो दे हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म द स्पर्म्स, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट? अब आप ये सोचोगे कि सर ये जो एगले कर रही थी हनी भी, फीमेल हनी भी आपकी जो यहाँ पे एगले कर रही थी इतने सारे, उनमें से क्या हर कोई यहाँ पे बनता है आपका वर्कर भी या हर कोई बनता है मेल? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके पूरे कॉलोनी के अंदर कितने वर्कर है, कितने मेल्स, उस पर डिपेंड करता है। तो जब वो एगले करेगी, जब फीमेल हनीबी आएगी और एगले करेगी, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके कॉलोनी में कितने मेल्स है, कितने वर्कर है। अगर आपके कॉलोनी में मेल्स कम है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो आपकी क्वीन आएगी वो जाके उतने एग्स को फर्टिलाइज करेगी, तो आप ये चीज उतने एग्स को फर्टिलाइज नहीं करेगी अगर मेल्स कम है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, समझो मेरी क्वीन भी है, समझो यहाँ पे मेरी क्वीन भी है, ये है क्वीन हनी बी,
ठीक है. अब ये क्वीन हनी भी आपकी यहाँ पे है, विच इज गोइंग टू बी अ क्वीन ओवर हियर. अब याद रखना, अगर ये क्वीन हनी भी अगर एग ले कर रही है, और अगर इन एग में से अगर कुछ एग के अंदर हम स्पर्म्स को फर्टिलाइज कराते हैं, समझो अगर ये मेरे यहाँ पे चार यहाँ पे एग से इतने एग से अगर इनके अंदर जाके स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, इनके अगर जाके अगर स्पर्म जाके इनको फर्टिलाइज करता है, ये स्पर्म कहां से आएगा, इट विल कम फ्रॉम द मेल्स. अगर यहाँ पे स्पर्म जाके इनको फर्टिलाइज करता है तो समझ जाना यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से आपके बनेंगे फीमेल हनी बी, यहाँ से आपको बनेगा आपका फीमेल. तो अगर स्पर्म आके इनसे फ्यूज करता है, चार स्पर्म आके अगर इनसे आके फ्यूज करते हैं चार एग के साथ, देन याद रखना आपके यहाँ पे बनेगा आपका फीमेल हनी बी, आपका यहाँ पे बनने लगेगा. ओके, और जिन एग के साथ कोई स्पर्म फ्यूज नहीं कर रहा, जिन एग के साथ कोई स्पर्म यहाँ पे फ्यूज नहीं कर रहा, दे विल ऑल टर्न इनटू क्या बनेंगे उसमें से, बिल्कुल सही, जहां पे आपको कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, दे आर ऑल गोइंग टू बी अनफर्टिलाइज्ड. अगर ये मेरे अनफर्टिलाइज्ड हैं, इफ दे आर गोइंग टू बी अनफर्टिलाइज्ड, देन अनफर्टिलाइज्ड एग में से यू विल ऑलवेज फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ योर मेल्स. तो यहां से आपके हमेशा मेल्स बनेंगे, और मेल्स के लिए हमारा एक नाम होता है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी अ ड्रोन. ड्रोन्स यहां पे बन के आएंगे. तो इतनी बात आपको यहां पे याद रखनी है. तो आप यहां पे एक और चीज समझ लो कि मेल हनी भी आपका यहाँ पे होता है हैप्लॉइड, और अगर मेल हनी भी मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड है, दैट मींस इट विल हैव 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनके अंदर आपको मिलेंगे 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ऑन द अदर हैंड, जब आप एक फीमेल हनी भी बनाते हो, जब वो फीमेल हनी भी बनती है, देन फीमेल हनी भी इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड, और क्योंकि वो यहाँ पे डिप्लॉइड है, सो शी विल बी हैविंग 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो यहाँ पे आपका होगा 32. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. इतनी सी कहानी है, कहानी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, याद रखना. एक बी हाइव के अंदर आपको तीन कैटेगरी मिलती है, क्वीन, वर्कर्स एंड योर ड्रोन्स, राइट. क्वीन और वर्कर्स जो होते हैं फीमेल होते हैं, दे आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड. अगर डिप्लॉयड है तो वो स्पर्म और एग के फ्यूज होने के बाद ही वो बनेंगे, राइट. लेकिन मेल्स को बनाने के लिए आपको ये सब की जरूरत नहीं है, मेल्स अनफर्टिलाइज एग में से डायरेक्टली बन जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय पार्थेनोजेनेसिस. और मेल्स को हम यहाँ पे बोलते हैं ड्रोन्स, एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉयड इन नेचर. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. तो क्या ये वाली बात आपको ये स्लाइड पे यहाँ पे सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. इसमें क्या सवाल है बताओ मुझे, प्राउड वर्कर्स में क्या सवाल है, बोलो जल्दी सवाल पूछो अपना. सर वर्सेस और फीमेल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? यू हैव फीचर्स ऑन देम. बीहाइव के अंदर क्वीन, वर्कर्स और मेल्स को आप काफी क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. बल्कि वर्कर्स ऑल्सो हैव अ वेरी शार्प दिस थिंग स्टिंग एट द बैक व्हिच मेल्स डोंट इवन हैव. तो वर्कर्स का काम सिर्फ बीहाइव को बनाना नहीं होता, उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम होता है, जबकि मेल्स आई हैव ओनली हैव अ रोल टू फर्टिलाइज द एग. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. और ये वाली दो चीजें आपको, दोनों स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको मालूम होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. एक बार फिर पूछ लो, अगर कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही देन पूछ लो, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू देन. या बताओ कमलप्रीत, वर्कर भी गैमेट्स नहीं ना बनाएगी? नहीं, वर्कर भी कभी गैमेट नहीं बनाएगी, सिर्फ क्वीन ही बनाएगी. वर्कर भी सिर्फ काम करते हैं, वो आपके कभी भी एगले नहीं करते. ठीक है, ओके सर. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर आपको ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है. नाउ आफ्टर दिस, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे नई कहानी, दैट इज अवर मेंडेलियन डिसऑर्डर. पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पेडिग्री सिखाऊंगा. एक बार अगर आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर समझ आ रहा है, देन पेडिग्री समझने में आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर. और इसको समझते समझते आप कई सारे टर्म्स आप यहाँ पे देखोगे. ओके, चलिए लेट्स सी यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो जब भी हम डिस्कस करते हैं हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, तो मैं आपको पहले कुछ चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके दो टर्म्स आएंगे. यू विल फाइंड टू टर्म्स कैन बी इन्वॉल्व ओवर हियर. एक आपका होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. हमारा यहाँ पे भी फोकस रहेगा टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पे हमारा क्या रहता है. तो इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज माय जेनेटिक डिसऑर्डर. अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनना, बड़ा आसान सी कहानी है, आपको समझ आ जाएगी. सो अज्यूम दैट यू हैव अ क्रोमोसोम, राइट. हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर मेरे जीन लगे हुए होते हैं, तो अज्यूम करते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे एक जीन लगा हुआ है, राइट. यू हैव अ जीन ओवर हियर ऑन द क्रोमोसोम. अब जीन है क्या? सो दिस इज अ जीन ओवर हियर, दिस इज अ जीन.
अब जीन बेसिकली होता क्या है, इट इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए. मैंने आपको पहले बताया जीन कुछ नहीं, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए बेसिकली. जीन इज गोइंग टू बी अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और ये जीन कुछ ना कुछ आपको बना के देगा. याद रखना ये जीन जो यहाँ पे होगा ये आपको कुछ ना कुछ बना के देगा. जनरली आपको क्या बना के देता है, ये आपको जनरली प्रोटीन बना के देता है. हम क्या कहते हैं कि जीन कुछ ना कुछ कंट्रोल करता है, हर एक जीन कोई ना कोई कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. ये बात हमने हमेशा यहाँ पे याद रखी है. तो सिमिलरली जो आपका यहाँ पे जीन लगा हुआ है, द जीन विच यू हैव राइट नाउ ओवर हियर, ये जीन इट्स नथिंग बट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए और ये कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा होगा. ओके तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ थोड़ा सा, इफ आई हैव टू इसको एक्सपांड करूं मैं, तो समझो ये एक स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का. अज्यूम करते हैं जो जीन है मेरा यहाँ पे, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट. अब ये जो सेगमेंट है डीएनए का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हमें बना के दे रहा है, कुछ ना कुछ ये कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई ट्रेड को ये कंट्रोल कर रहा है, राइट. आपके बॉडी में 30,000 जीन्स है, हर एक का कोई स्पेसिफिक काम होता है. अगर ये जीन काम करना बंद कर जाए देन दैट इज अ कंसर्न, देन वहां पे फिर दिक्कत आएगी. ओके तो ये जो जीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने आपके सामने बना के रखा हुआ है, अब सोचो कि इस जीन के अंदर कोई डिलीशन हो जाता है, इसके जो पूरा डीएनए है, इस डीएनए के अंदर एक सर्टन पार्ट है जो समझो आपका डिलीट हो गया. समझो एक छोटा सा पार्ट है आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है. या इस डीएनए में से आपका छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर कोई अल्टरेशन आ गया, राइट. कोई अल्टरेशन इसके अंदर समझो डिलीट हो गया या कोई चेंजेस आ गए, सम चेंजेस हैज टेकन प्लेस, सम चेंजेस अकर्ड. अगर आपके जीन के अंदर कोई चीज डिलीट हो रही है या कोई चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसे मैं कह सकता हूं अगर कोई भी अल्टरेशन हो रहा है, अगर कोई भी यहाँ पे अल्टरेशन होता है, कोई भी अगर आपका अल्टरेशन अगर आपका यहाँ पे होगा, अल्टरेशन का मतलब सिंपल तरीके से समझ लो, आपकी डीएनए में से कुछ था जो निकल गया, कुछ निकल गया, या फिर कुछ वहां पे चेंजेस आ चुके हैं, कुछ जो ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए था वो चेंज हो चुका है, अगर कोई भी अल्टरेशन वहां पे हो रहा है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ म्यूटेशन, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ म्यूटेशन. तो हम बोलेंगे कि आपके जीन के अंदर म्यूटेशन हो चुका है, सो देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन. तो अगर ऐसा कुछ अगर आपका यहाँ पे होता है, सो आई कैन वेरी सिंपली से दिस इज अ एग्जांपल ऑफ योर दिस इज ऑल. अगर कुछ भी आपके जीन के अंदर होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, हम उन्हें बोलेंगे यहाँ पे एज अ म्यूटेशन. और याद रखना म्यूटेशन जनरली हार्मफुल होता है. जनरली हमें क्या मिलता है देखेंगे कि म्यूटेशन आपके लिए हार्मफुल होता है. तो 10 में से 9 बार म्यूटेशन आपका हार्मफुल ही रहेगा. बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब आपको एडवांटेजेस होता है, राइट. तो म्यूटेशन इज गोइंग टू बी हार्मफुल. तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई एकदम से आगे पूछा कि म्यूटेशन क्या होता है, देन यू कैन टेल देम अ चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस, अ चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस और अल्टरेशन इन द जेनेटिक सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड एज अ म्यूटेशन, राइट. अब समझो अगर मेरे जीन के अंदर कोई यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, कोई अल्टरेशन हो गया, कोई चेंजेस अगर मेरे यहाँ पे हो गए, देन मेरा जीन हो गया डिफेक्टिव, देन मेरा यहाँ पे जीन हो जाएगा यहाँ पे डिफेक्टिव. सो व्हाट विल हैपन, दिस जीन ओवर हियर विल बिकम डिफेक्टिव. तो ये जीन मेरा यहाँ पे हो जाएगा डिफेक्टिव. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा जीन यहाँ पे हो गया डिफेक्टिव, तो अपनी जहन में एक बात बिठा लो कि अब ये जीन काम नहीं करेगा, अब मेरा जीन ये काम नहीं करेगा. सो इफ आई हैव अ डिफेक्टिव जीन, then this gene is not going to work. और अगर ये मेरा यहाँ पे जीन काम नहीं कर रहा, then ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है. अगर मेरा ये जीन काम नहीं कर रहा, then we can say the person is suffering with a genetic disorder. अब एक चीज आप याद रखना हमेशा यहाँ पे कि genetic disorder अगर होगा तो बचपन से ही होगा. It is something which is there in your genes right from the beginning. ऐसा कभी नहीं होता कि अभी मैं ठीक हूँ और suddenly आज से 4 साल बाद मुझे genetic disorder होते हुए मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा. अगर मुझे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो मुझे बचपन से ही होगा, ये बात याद रखना. अगर आपका कोई जीन डिफेक्टिव है तो पहले से वो डिफेक्टिव है, ऐसा नहीं होता कि वो बाद में डिफेक्टिव हो जाता है, राइट. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज कॉल्ड एज माय जेनेटिक डिसऑर्डर. तो सिंपली बात याद रखना कि अगर आपके जीन के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई अल्टरेशन अगर आपका वहां पे हो रहा है, कोई डिलीशन अगर आपका वहां पे हो रहा है, कोई भी अगर वहां पे चेंजेस हो रहे हैं जो होने नहीं चाहिए थे, उसको हम जनरली कहते हैं यहाँ पे एज अ म्यूटेशन. एंड सच म्यूटेशन कैन लीड टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर. इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपका जो यहाँ पे जीन था दैट बिकम्स ओवर हियर डिफेक्टिव. पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ये जो मैं टर्म्स समझा रहा हूँ, आपको ये टर्म्स और स्टेटमेंट्स क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ जी, तो फिर बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये जो जीन है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है नहीं, उससे नहीं, मैं बता सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट गेट टू नो ओवर देयर. नहीं, हाँ आप ये चीज कर सकते हो, यू कैन नो द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर, कौन से आप पता लगा सकते हो, आई टेल यू लेटर आफ्टर द लाइक नॉट नाउ.
आफ्टर यू डू द क्लोनल डिसऑर्डर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कितने कौन सी कंडीशन आप पता लगा सकते हो इन टर्म्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर देख के, ठीक है। सो अभी अगर हम देखेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके लिए और बाकियों के लिए भी, राइट। अभी आप ये समझो कि जेनेटिक डिसऑर्डर आपके यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। अब आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर ऐसा होते हुए अगर आपको यहाँ पे मिलता है, इफ यू सी दिस थिंग हैपनिंग ओवर हियर, तो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है, वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर। एग्जाम्पल्स जो आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए, विच कैन बी समथिंग लाइक हियर, वी कैन हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस, then you can have example like your hemophilia is also genetic disorder, then aapka example aa sakte hain aapke sickle cell anemia, then you will have something like, you can also have something like color blindness भी आपका एक genetic disorder है, then you can have thalassemia, so thalassemia also becomes one of the example of genetic disorder, so and you have one more example जो हमने पढ़ा है, that is your phenylketonuria. तो ये सारे हमारे example है of a Mendelian disorder के, यही नहीं बहुत सारे example होते हैं, but ये आपके example है जिनसे आपको अपने आपको वाकिफ रखना है। अब इनमें से सिस्टिक फाइब्रोसिस को छोड़ के आप हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया और पीकेयू के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, ओके। फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसकी कहानी आप ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कट जानते हो, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए दैट दिस समथिंग वी हैव डन, इसमें क्या होता है। अब आपको एक इसमें एक इंटरेस्टिंग बात समझनी है, जब भी हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में इसके दो तरीके होते हैं, दो टाइप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। तो पहले हम ये समझते हैं कि इसके अंदर आपके दो टाइप्स आपके यहाँ पे क्या होंगे, लेट्स सी व्हाट आर द टू टाइप्स व्हिच विल बी फाइंडिंग, यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर। एक इसके अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए दैट यू कैन हैव अ कंडीशन लाइक इधर दे कैन बी ऑटोसोमल और इट कैन बी रिसेसिव, सॉरी इट कैन बी सेक्स लिंक्ड। तो जेनेटिक डिसऑर्डर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, इधर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। इसको पहले हम यहाँ पे समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स कि इनका मतलब यहाँ पे क्या होता है। अगर आपका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, समथिंग लाइक हीमोफीलिया आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपको देखने के लिए मिलता है पॉपुलेशन के अंदर। अब हीमोफीलिया का जो जीन होता है, इसका जो जीन होगा जो डिफेक्टिव होगा वो कहाँ मिलता है आपको, सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर, इट इज देयर ऑन द सेक्स क्रोमोजोम। जो आपके जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं ना, फीमेल्स के अंदर होता है XX और मेल्स के अंदर होता है आपके यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई। याद रखना आपका जो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे होता है उसके ऊपर आपका ये जीन लगा हुआ होता है, तो हीमोफीलिया का जीन आपको कहाँ मिलेगा, ऑन द एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्योंकि हीमोफीलिया का जीन मुझे मिल रहा है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय सेक्स लिंक्ड कंडीशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेक्स लिंक्ड कंडीशन, ठीक है। अगर आपका जीन सेक्स क्रोमोसोम के अलावा कहीं और देखने के लिए आपको मिल रहा है, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा किसी और क्रोमोसोम अगर आपको मिल रहा है, पहले 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं ऑटोसोम। ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी अगर आपको याद हो तो, जो फर्स्ट बोलते हैं ऑटोसोम्स, राइट। तो अगर आपका कोई डिफेक्टिव जीन ऑटोसोम्स के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है तो उसे हम बोलते हैं एज अ ऑटोसोमल कंडीशन, वी कॉल इट एज अ ऑटोसोमल कंडीशन। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लू फिनाइलकेटोन्यूरिया की, अगर आपको याद हो तो जब हमने बात किया था फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में, तो इसका जो यहाँ पे जीन होता है डिफेक्टिव जीन, ये होता है कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होता है, 12 नंबर क्रोमोसोम, राइट। तो क्रोमोसोम 12 बेसिकली आपका हो गया ऑटोसोम हो गया, इट्स ऑटोसोम ना, 23rd पर आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम, ये तो ऑटोसोम हो गया। सो फिनाइलकेटोन्यूरिया इज एग्जांपल ऑफ माय ऑटोसोमल कंडीशन, इट इज एग्जांपल ऑफ योर ऑटोसोमल कंडीशन, इट इज एग्जांपल ऑफ योर ऑटोसोमल कंडीशन। तो ये एक चीज आप ध्यान बिठाओ कि हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यू हैव ऑटोसोमल, यू हैव सेक्स लिंक। सेक्स लिंक के अंदर यू विल हैव सर्टेन कंडीशन जो हम यहाँ पे देखेंगे, ऑटोसोमल के अंदर यू हैव सर्टेन कंडीशन जो हम यहाँ पे सीखेंगे, राइट। सो याद रखना दो टाइप आपको मिलते हैं, सेक्स लिंक एंड ऑटोसोम्स। पहले आप ये देखो,
सेकेंड दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने कि आपका कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर, आपका कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरीके का हो सकता है. इधर इट कैन बी डोमिनेंट और इट कैन बी रिसेसिव. तो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, इधर इट कैन बी डोमिनेंट और इट कैन बी रिसेसिव. इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ जी मोनिका बताइए. सर मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब ये डोमिनेंट और रिसेसिव होगा? इसमें ही आएगा बेटा, इसमें ही आएगा. हाउ डज दैट मेक इट डिफरेंट बेटा? इट्स अ मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर ओनली, राइट? क्रोमोसोम तो भी पढ़ने रहे ना बेटा हम लोग अभी यहां पे मोनिका. यस सर, राइट. सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज, अब सुनो. अच्छा बारे में यहां तक सबको समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे लड़कों को ये चीज समझ आ रही है? यस सर. एक्सप्लेन. महेश, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध है क्या क्लास के अंदर? And we have Shiva and all the people. I hope it's clear to all of you and all the boys over there. जो भी यहाँ पे. अब हम यहाँ पे देखते हैं. Yes sir. Let's have a look at the dominant and recessive condition. और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बोल दो, या फिर अगर लग रहा है ना fast जा रहा है तो बता दो, right? It's much more important to focus on the things which I'm telling you right now. तो जो ये मैं आपको करा रहा हूँ उसपे ध्यान दो और बताओ अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो, right? So please pay attention to this. बोलो. हाँ जी दीक्षा बताइए. सर ऑटोसोमल वाला फिर से समझा दो. तो ऑटोसोमल के अंदर बेटा यहाँ पे क्या होगा कि देखो बेटा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं ना दैट फर्स्ट टू 22nd क्रोमोसोम जो आपके होते हैं, ये आपके होते हैं ऑटोसोम्स. इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज माय ऑटोसोम्स, राइट? तो अगर इनमें से किसी क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है और अगर वो जीन काम नहीं कर रहा, अगर इनमें से किसी क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है, अगर वो जीन काम नहीं कर रहा या डिफेक्टिव है, then उस कंडीशन को मैं बोलूंगा ऑटोसोमल कंडीशन. then that condition I will be calling it as a autosomal condition. autosomal condition. so ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब मैं आपके सामने यहाँ पे ऑटोसोमल कंडीशन आपके यहाँ पे कह रहा हूं तो समझ जाओ कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि दीक्षा ये एक पर्सन है और इनको एक ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, तो आप समझ जाना कि उसका जो जीन होगा डिफेक्टिव जीन वो फर्स्ट से लेकर 22nd क्रोमोसोम के बीच में होगा, किसी क्रोमोसोम पे लगा हुआ होगा, उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल कंडीशन. अगर मैं आपको कहता हूँ, समझो मैं अगर महेश को कहता हूँ कि महेश ये एक पेशेंट है और इसको एक सेक्स लिंक्ड कंडीशन है, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आप समझ जाना कि अगर सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर वहां पर मैं कह रहा हूँ, दैट मीन्स दैट कंडीशन इज देयर ऑन द सेक्स क्रोमोसोम. जो सेक्स क्रोमोसोम जो आपका होगा उसके अंदर उसका जीन लगा हुआ है, उस कंडीशन का जीन जो लगा हुआ है वो सेक्स क्रोमोसोम के वहां पर लगा हुआ है. दीक्षा समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. ठीक है. And this goes to all of you. अगर आपको लग रहा है ना, प्लीज एक बार फिर सबको बताना चाहूंगा, सारे बच्चे कई बार जोर जोर से यस बोल देते हैं ना, तो उसमें आप ये मत सोचना कि आपको भी यस बोलना है. यू जस्ट हैव टू टेल मी कि रिपीट दैट थिंग अगेन, राइट? सो आई विल बी रिपीटिंग दोस थिंग्स टू यू. ठीक है, तो पूरा जो मोमेंटम है ना क्लास का कि हाँ यस करके सब लोग ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो बोल दो. और अगर इस तरह लेकिन नहीं आ रहा, अगर आपको कोई चीज ऐसा लग रहा है कि मैंने फास्ट बता दी, देन यू कैन जस्ट लेट मी नो दैट. बताओ महेश, बोलो 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 सर. सर सर थोड़ा स्लो कर दो. हाँ देखो ऐसे बोलो, कितना सही है. उस फ्लो में ऐसे मत करो कि ये करना है. वो होता है ना कई बार, जैसे दो बैट्समैन घुमा घुमा के मार रहे तो तीसरे को भी आके लगता है कि मैं भी मारूंगा. वैसे मत करो. ऋषभ पंत मत बोलो यहाँ पे, राइट? टेक योर टाइम, एवरीवन इज डिफरेंट, राइट? सो हाँ, तो थोड़ा अच्छा पहले ये बताओ अनिरुद्ध एंड बाकी लोग, ये वाला स्लाइड समझ आया ना? ये वाला स्लाइड? यस सर. ये बेसिकली आपको बता रहे कि अगर आपके जीन में डिफेक्ट हो रहा है देन दैट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट? एंड दैट जीन इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव ओवर हियर. तो जीन आपके यहां पे डिफेक्टिव होगा, एंड अगर जीन डिफेक्टिव है देन इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर ओवर हियर. ठीक है, देन हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे थे, हम एग्जांपल्स हम यहाँ पे सीखेंगे. और यहाँ पे याद रखना ये वो ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड दो कंडीशन होती है, और उसके अंदर भी आपको और दो टर्म्स याद रखने, डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है. तो चलिए देखते हैं क्या होगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव. बताइए महेश. सर जो डिलीट डिलीट है और जो मतलब सम चेंजेस अकर्स है, जो अल्टरेशन है, ये तीनों एक ही चीज है ना? हाँ एक ही चीज है. डिलीट होना मतलब समझो डीएनए में से थोड़ा सीक्वेंस गायब हो चुका है ही नहीं, जो होना चाहिए था वो गायब हो चुका है, राइट? या ऐसा समझो कि जो सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, लाइक 1 2 3 होना चाहिए था तो 3 2 1 है वहां पे. एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. वो हो गया एक सम चेंजेस.
तो इसको हम अल्टरेशन ही कह सकते हैं। मतलब कुछ तो वहां पे गलत चेंजेस हो चुके हैं, इधर से हम डिलीशन हो चुका है या वहां से कुछ निकल चुका है या वहां पे कुछ है जो उल्टा सीधा हो चुका है, उसे हम कहते हैं अल्टरेशन। अगर अल्टरेशन है वहां पे देन दैट्स अ म्यूटेशन। आप कह दोगे यार ये तो म्यूटेशन हो गया वहां पे। अगर म्यूटेशन हो चुका है देन जीन आपका काम नहीं करना, सिंपल सी बात है, जीन इज नॉट गोइंग टू वर्क। पता चला महेश? यस सर। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी ओवर हियर। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम कलर ब्लाइंडनेस से स्टार्ट करें तो आपको डोमिनेंट रिसेसिव क्या था ये आपको यहाँ पे समझ आएगा। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ। सो जब मैं कलर ब्लाइंडनेस की यहाँ पे बात करता हूँ, तो आप ये चीज आप यहाँ पे याद रखना दैट इन दिस यू विल फाइंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ माय सेक्स लिंक कंडीशन। इट इज माय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये मेरा यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, दिस इज माय सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अब सेक्स लिंक तो आपको समझ आ चुका होगा कि इसका जो जीन होगा वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर आपको मिलेगा देखने के लिए, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सेक्स क्रोमोसोम का, राइट? आप क्या आप में से सब लोग रेड और ग्रीन कलर को देख पाते हो? यस सर। यस सर। देख पाते हैं? देख पाता हूँ, मैं भी देख पाता हूँ। सो We are not color blind. ठीक है? तो ये जो जीन होता है, यार इतने जीन आपको काम लेगा। अगर मैंने लिखा sexing, then the gene is present on the X chromosome, मतलब आपका जो sex chromosome जो आपके होते हैं, वहाँ पे आपको ये जीन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें समझाऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनना। Now let's see what will be seen over here. तो हम जानते हैं कि फीमेल के बाद कितने X chromosome होते हैं? राइट, सो यू हैव टू सेक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल्स। ठीक है, अगर कोई लड़की है और अगर वो उसके पास टू सेक्स क्रोमोसोम, ऑब्वियसली शी हैव टू सेक्स क्रोमोसोम, तो अगर मैं उसके ऊपर लिखता हूँ दैट शी हैज कैपिटल सी ओवर देयर, अगर मैं दोनों सेक्स क्रोमोसोम को कैपिटल सी लिखता हूँ, सो कैपिटल सी स्टैंड फॉर जीन फॉर नॉर्मल कलर, याद रखना कैपिटल सी स्टैंड फॉर योर नॉर्मल विजन। कैपिटल सी मतलब आपका नॉर्मल विजन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट? और स्मॉल सी जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज द डिफेक्टिव जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ये मेरा जो जीन है यहाँ पे, दिस कैन गिव यू द कलर ब्लाइंडनेस, ये देगा आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, शायद अगर स्मॉल सी अगर आपका लगा होता है, सो दैट इज गोइंग टू बी गिविंग यू द कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपका कैपिटल सी आपका यहाँ पे, देन दैट विल गिव यू द नॉर्मल विजन। तो अगर ये लड़की है यहाँ पे और अगर ये लड़की के अंदर दोनों कैपिटल सी लगे हुए हैं, तो क्या ये कलर देख पाएगी या नहीं देख पाएगी? देख पाएगी बिल्कुल। इसको पता चलेगा कौन सी टीम क्या खेल रही है, उसे आरसीबी और साउथ अफ्रीका की टीम का डिफरेंस उसे पता चलेगा, राइट? सो दैट इज समथिंग वी विल फाइंड, सो शी विल हैव अ नॉर्मल विजन। ठीक है, अब अगर सोचो कि कोई अगर यहाँ पे लड़की है, लेट्स राइट अगेन ओवर हियर, कलर चेंज करो। हाँ, so you have a girl and that girl has one capital C and one small c, to small c jo hai mera wo color blindness deta hai, but wo hai aapka yahan pe recessive allele, yaad rakhna wo aapka yahan pe recessive allele hai. ab kyunki wo mera recessive allele hai to ab mujhe batao kya wo ladki color dekh payegi ya nahi dekh payegi? dekh payegi kyunki dominant allele sab sambhal lega, jo dominant allele yahan pe hoga wo sab sambhal lega, it will actually express itself, recessive allele को express करने यहाँ पे नहीं देगा, so she will have a normal, ये लड़की का normal vision आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, that's a thing you have to know. अब तुम सोचो कि अगर कोई यहाँ पे लड़की है, there is a girl and she has small c, अगर उसके अंदर small नहीं, मतलब दोनों ही आपके यहाँ पे जो जीन है वो डिफेक्टिव है, दोनों जीन्स जो आपके यहाँ पे है वो दोनों के दोनों आपके यहाँ पे डिफेक्टिव है, तो क्या ये लड़की कलर देख पाएगी नहीं देख पाएगी? होगा या समझो इस बात को, जो डिफेक्टिव एलील आपका यहाँ पे है वो आपका है यहाँ पे रिसेसिव,
और वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब दोनों ही एलील आपके यहाँ पे डिफेक्टिव होंगे, दोनों ही एलील आपके यहाँ पे रिसेसिव होंगे वहां पे तभी, और एल्स आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, और एल्स यू डोंट गेट टू सी हैपनिंग ओवर हियर, राइट। तो ये बात आप यहाँ पे रखना, इसको हम रिसेसिव क्यों कहते हैं। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि हम इसे सेक्स लिंक रिसेसिव क्यों कहते हैं, बिकॉज जो यहाँ पे एलील है जो कलर ब्लाइंडनेस आपको कर रहा है, दैट इज अ रिसेसिव डिफेक्टिव एलील, इट इज अ रिसेसिव, इट इज अ रिसेसिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव एलील, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब एक और बात मेरे यहाँ पे समझो कि अब समझो कोई लड़का है यहाँ पे, अब लड़कों के पास डिसएडवांटेज यहाँ पे होता है दैट दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, लड़कों के पास जो डिसएडवांटेज यहाँ पे होगा दे विल ओनली हैव अ वन एक्स क्रोमोसोम ओवर हियर, ठीक है। अगर लड़के के पास सिर्फ वन एक्स क्रोमोसोम आपके पास यहाँ पे है, तो अगर इसके पास है कैपिटल सी, अगर इसके पास कैपिटल सी है तो क्या ये कलर देख पाएगा सारे के सारे, नहीं देख पाएगा, कैपिटल सी का तो देख पाएगा, राइट। और अगर यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास कैपिटल सी नहीं है और स्मॉल सी है, तो ये होता है लड़कों का डिसएडवांटेज, लड़कों के पास ये होता है डिसएडवांटेज दैट इफ दे हैव अ स्मॉल सी ओवर देयर, अगर इनके पास स्मॉल सी यहाँ पे है, बस बेरंग लाइफ हो जाती है सडनली उन लोगों की, सो दे विल हैव द इशू ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे आपको जो इशू आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ इशू ऑफ योर कलर ब्लाइंडनेस। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि लड़कों के पास वो एडवांटेज नहीं है जो लड़कियों के पास होता है यहाँ पे, ऑफ हैविंग दैट वन एक्स्ट्रा एलील जो उन्हें सेव कर सकता है कलर ब्लाइंडनेस से। तो अगर आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर स्मॉल सी अगर एक लड़के के एच क्रोमोसोम पे आ जाता है, देन द पर्सन इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। तो पता है इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा कॉमनली मुझे कहाँ मिलेगा, लड़कों में, एक पॉपुलेशन के अंदर मुझे ज्यादा मेल मिलेंगे जिनको कलर ब्लाइंडनेस होगा कंपेयर टू फीमेल। फीमेल को ढूंढना विद कलर ब्लाइंडनेस इज डिफिकल्ट, कभी आप देखना अपने आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे, गर्ल्स होंगे विच आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। वैसे आपको कैसे पता चलेगा, आप जाके पूछ तो नहीं सकते ना कि दीदी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट यस जनरली इन अ पॉपुलेशन विल ऑलवेज गेट टू सी दैट फीमेल्स आर गोइंग टू बी लेस प्रोन टू कलर ब्लाइंडनेस, राइट। बट मेल्स के अंदर ये होते हुए आपको ज्यादा कॉमनली दिख सकता है, बिकॉज मेल के पास वो एक और जो एलील का जो एडवांटेज होता है जो उसे बचा सकता है जो मिल रहा है फीमेल्स के अंदर, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता। इधर दे हैव अ डोमिनेंट एलील और दे हैव अ रिसेसिव एलील, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि लड़कों के पास इधर वो अफेक्टेड होंगे या फिर वो नॉन अफेक्टेड होंगे। लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में ये जो सेकंड कंडीशन आप देख रहे हो ये कैरियर है क्योंकि इसका एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी है, तो ये नॉर्मल है, बट इसके पास एक डिफेक्टिव एलील है यहाँ पे, शी डज हैव अ डिफेक्टिव एलील ओवर देयर, सो दैट इज वाई शी इज अ कैरियर। इसको हम इवन में आप बोल सकते हैं एज अ कैरियर, क्योंकि ये कुछ कैरी कर रही है, शी इज कैरिंग अ डिफेक्टिव एलील, इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैरियर, ठीक है। सो कलर ब्लाइंडनेस इज एग्जांपल ऑफ माई सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, और याद रखना है यहाँ पे आप यू आर नॉट एबल टू सी द रेड ग्रीन कलरेशन इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व। इसके भी कई सारे वेरियंट्स होते हैं, बट आपको जो एनसीईआरटी में दिखा हुआ है वो आपको याद रखना है। सो रेड एंड ग्रीन वेरियंट आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व ओवर हियर। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन के मिलेंगे, यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस, ये एक बहुत हॉट टॉपिक है, इसलिए आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। अब मुझे बताओ क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, आराम से सोच लो फिर बताओ, ऐसे जल्दबाजी में यस मत बोलना कि हाँ सर ये समझ। यस सर, लड़कों को सब समझ आ रहे हैं यहाँ पे, महेश अनिरुद्ध ओम, कैरियर का समझा दो। कैरियर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि देखो आपके पास ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक है डोमिनेंट एलील, एक है आपके डिफेक्टिव एलील। तो अगर किसके पास डिफेक्टिव एलील है जो लड़कियों के पास यहाँ पे होगा, बट वो लाइक वो नॉर्मल है, उनका फिनोटाइप नॉर्मल है, राइट, लेकिन उनके पास डिफेक्टिव एलील है वहां पे, सो दैट डिफेक्टिव एलील इज एग्जांपल ऑफ योर कैरियर। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो लड़की है यहाँ पे इवन दो ये नॉर्मल है, बट शी इज अ कैरियर बिकॉज वो कैरी कर रही है एक डिफेक्टिव एलील को, वहां पे एक डिफेक्टिव एलील को वहां पे वो कैरी कर रही है, दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज अ कैरियर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। तो ये पहली बात आप यहाँ पे समझो, राइट। अब आपको एक यहाँ पे क्रॉस करके दिखाता हूँ एंड आप यहाँ पे कुछ चीजें समझ पाओगे। अब आप सोचो कि एक लड़की है और उसका है ये कंडीशन स्मॉल सी, क्या ये कलर ब्लाइंड होगी या नहीं होगी? सो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ एज अफेक्टेड, मैं इसको यहाँ पे अफेक्टेड यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये लड़की यहाँ पे है अफेक्टेड, इनकी शादी हुई, इन लड़की के यहाँ पे शादी कराते हैं हम लोग एक लड़के के साथ, एंड दैट बॉय इज गोइंग टू बी नॉर्मल, उसका यहाँ पे कैपिटल सी है और यहाँ पे वाई है, ठीक है, इनको यहाँ पे इनका यहाँ पे मैरिज होगा, राइट।
अब आप बताओ, अगर इस लड़की के चार लड़के होते हैं तो उनमें से कितने को कलर ब्लाइंडनेस आपको होते हुए मिलेगा? चारों को ओ सर, किसी को भी नहीं होगा। ओ होगा, सबको होगा, होगा सबको कलर ब्लाइंडनेस होगा। समझो अब यहाँ पे, चलो मैं आपको पनीट स्क्वायर बना के दिखाता हूँ, लेकिन बाद में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम पनीट स्क्वायर बना के यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम डालते हैं मेल वाला, डाल देते हैं यहाँ पे, या वह कैपिटल सी एंड वाई ओवर हियर, क्योंकि मेल से तो सिर्फ वाई आएगा ना, मेल से तो सिर्फ वाई आएगा, फीमेल से हमेशा एक्स आएगा। और यहाँ पे हम डालते हैं हमारे यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल को, जिनको कलर नहीं दिखता, राइट, स्मॉल सी स्मॉल सी। अब यहाँ पे आप डाल के देख लो, या वह एक्स एक्स, तो यहाँ से स्मॉल सी आया और यहाँ से आया कैपिटल सी, तो ये जो डॉटर है ये नॉर्मल होगी, बट ये कैरियर होगी, ठीक है? अगर इनका एक सन आता है तो सन तो हमेशा अफेक्टेड ही होगा, क्योंकि वो स्मॉल सी मिल रहा है, सो सन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड ऑल द टाइम। यहाँ पे भी जो इनकी डॉटर होगी, तो जितनी भी डॉटर होंगी वो सारी नॉर्मल होंगी, कैरियर। का रीजन है, यस रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, बाकी सबको समझना है बेटा, प्लीज रुक जाओ। सो यू हैव अ डॉटर ऑल द टाइम, यू हैव अ डॉटर, एंड दैट डॉटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेफ बिकॉज ऑफ द फादर, कि फादर के पास कैपिटल सी था, तो इसलिए वो डॉटर तो वहां पे सेफ हो गई, राइट? बट जितने भी यहाँ पे आपके सन्स रहेंगे, चाहे वो एक हो या 15 हो, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, सारे का सारे सन्स जो यहाँ पे होंगे वो अफेक्टेड होंगे, वो कलर ब्लाइंड ही आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कितना परसेंट चांस है लड़के के होने का कलर ब्लाइंडनेस, तो आप बोलोगे यहाँ पे 100%। यहाँ पे 100% ऑल सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, ऑल सन्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, कोई चांस नहीं होता। अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे के सारे लड़के यहाँ पे कलर ब्लाइंड आपके यहाँ पे होंगे, इसके अंदर कोई आपका यहाँ पे चांस नहीं रहता, राइट? और सारी जो डॉटर्स यहाँ पे, वो आपकी सारी कैरियर होगी, ऑल द डॉटर्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी कैरियर, ठीक है? दैट्स गोइंग टू बी सेम इन दिस, ओके? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हाँ जी बताइए, किसी का कोई सवाल था, किसी ने हैंड रेस किया था, बताइए क्या सवाल है आपको, बोलिए। अच्छा, गलती से हो गया था, ऑलराइट। लड़कियों में क्या होगा? लड़कियों में सारी कैरियर, लड़कियां सारी नॉर्मल है यहाँ पे, लड़कियां यहाँ पे नॉर्मल, देखो ना यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल सी आ रहा है यहाँ पे, राइट? सो गर्ल्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल, इन सबको कलर दिखेगा। ये जो डॉटर्स यहाँ पे हुई है ना, ये ग्रीन कलर जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये सारी यहाँ पे नॉर्मल, इन सबको कलर दिखेगा, बट दे आर कैरियर। क्यों मैं कह रहा हूँ कैरियर? बिकॉज इनके पास है एक डिफेक्टिव एलील, दे डू हैव अ डिफेक्टिव एलील विद देम, सो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ कैरियर। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। तो अगर मदर अफेक्टेड है, देन सारे सन्स वहां पे आपके अफेक्टेड होंगे। महेश समझ आ रहा है? महेश, अनिरुद्ध एंड शिवा, राइट? मेरे यस सर, को कैसे पर्सनल अटेंशन मिल जाएगी सडनली, राइट? एंड ऑल द गर्ल्स ओवर हियर, बिकॉज़ आई कैन नॉट टेक ऑल द नेम्स, बट आई होप सबको समझ आ रहा है, राइट? टीम हिमाचल, ऑल यस सर, राइट? यस और सर, अभी इतना टाइम हो चुका है कि आप लोग बोल सकते हो मुझे, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो, कि रिपीट करने के लिए, ठीक है? सो ये बात याद रखना, सो दैट इज माय सेक्स लिंग रिसेसिव फॉर माय कलर ब्लाइंडनेस। सो ये चीज आपको यहां पे ऐड रखनी है। अब इसके ऊपर बेस हम कई सारे क्रॉस करेंगे, तो उसके ऊपर आपका फिर हाथ बैठ जाएगा, यू विल बी हैविंग, आपका अपने आप अंडरस्टैंडिंग वहां पे आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है? ऐसे हम कई सारे क्रॉस करेंगे आगे जाके। अब एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अदर कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो मेरे यहाँ पे सामने है, दैट इज माई हिमोफीलिया। ये मेरे यहाँ पे हिमोफीलिया, अब आप इसको थोड़ा और आसानी से आप समझ पाओगे। हिमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई, इट इज ऑल्सो माई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। दिस इज ऑल्सो माई सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन। ये मेरा सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है मेरे यहाँ पे। अब जब मैं सेक्स लिंक कह रहा हूं आपको यहाँ पे, तो आपको समझ आएगा इसका जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होगा, राइट? जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वहां पे आपको मिलेगा, या एक्स क्रोमोसोम भी आपको कह सकते हो, वहां पे आपका ये जीन मिलेगा, राइट? और क्योंकि मैं यहाँ पे रिसेसिव कह रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा दैट यहाँ पे जो आपका डिफेक्टिव एलील होगा वो आपका रिसेसिव होगा। जो आपका डिफेक्टिव एलील यहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे रिसेसिव होगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि क्लास फास्ट जा रही है, देन बता देना कि सर थोड़ा स्लो हो जाओ, राइट? एक बार होता है मेरे साथ, होता है, लाइक एट टाइम्स इट हैपेंस दैट आई माइट बिकम स्लाइटली फास्टर, देन प्लीज लेट मी नो। सो कैपिटल एच, लेट्स से, इज फॉर माई नॉर्मल कंडीशन, एंड स्मॉल एच इज फॉर इज माई डिफेक्टिव एलील, इट इज योर डिफेक्टिव एलील, राइट? अब आप एक बात यहाँ पे समझो सब लोग ध्यान से, कि ये हिमोफिलिया के अंदर जनरली आपको होते हुए क्या मिलेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग,
कि हीमोफिलिया में एक्चुअली में होता क्या। तो हीमोफिलिया के अंदर कुछ बच्चों को मालूम होगा शायद से, कुछ लोगों ने ये 11th में सीखा होगा। एक काम करते हैं अक्षरा, आप बताइए क्या होता है हीमोफिलिया के अंदर, बोलिए। सर इसमें ऐसा फैक्टर एब्सेंट रहता है जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं, मतलब जब कोई पर्सन अगर हीमोफीलिया से डिफेक्टिव रहेगा तो जब वो कट लगेगा तो उसका जो ब्लड है वो कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा और उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। राइट, बिल्कुल सही अक्षरा। तो देखिए सब लोग यहाँ पर सुनिए ध्यान से, हीमोफीलिया के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को कोई कट लगा, अगर किसी को कोई कट लगता है तो कट लगने के बाद जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कट लगने का थोड़े टाइम, एक कुछ टाइम के लिए ब्लीडिंग होगा, फिर वो अपने आप रुक जाएगा। अगर छोटा सा कट हुआ देन ब्लीडिंग होगा, उसके बाद यू विल फाइंड कि उस एरिया में अपने आप फिर आपका वहां पे लाइक वुंड हीलिंग आपका होने लगता है। राइट, दैट्स वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप लाइक घर पे काम कर रहे हो, अगर आपका कट लग गया देन थोड़ा खून निकलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। बट अगर किसी को हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, दैट कट लगने के बाद द ब्लीडिंग विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग, वो ब्लीडिंग आपकी रुकती ही नहीं है। तो आपको कट लगा, ब्लीडिंग होता गया होता गया होता गया, एंड वो इतना कई बार सीवियर हो जाता है, देन पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट। तो जिसको हीमोफीलिया होता है ना, अगर उसे कट लगा, अगर उसे वहां पे कट लगा, देन दैट पर्सन हैज टू गो टू अ हॉस्पिटल, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है ताकि वहां पे वो ब्लीडिंग को रोक सके, बिकॉज उनके अंदर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता। तो ये चीज आप याद रखना, सो हीमोफीलिया के बारे में ये चीज याद रखना, दैट देयर इज गोइंग टू बी एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, देयर इज गोइंग टू बी अ एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, there's an absence of clotting factor, और जो clotting factor जो आपके body में नहीं मिलता उसे हम कहते हैं यहाँ पे factor number 8, एक factor होता है जिसे हम कहते हैं factor number 8, ये आपके body के अंदर absent होता है, ये आपके अंदर absent होता है। जब मैं कह रहा हूँ ना factor तो समझ जाओ it's a protein, तो basically जो gene था, हम सबके अंदर एक gene है जो बनाता है factor 8, जिस person के अंदर वो gene काम नहीं करता, जिस person के अंदर वो gene defective होता है, उसके अंदर वो factor 8 यहाँ पे नहीं बनता। और अगर वो फैक्टर एट वाला जीन अगर आपके यहाँ पे नहीं बन रहा, तो फैक्टर एट आपके यहाँ पे एब्सेंट हो गया। राइट, फैक्टर एट जो आपके यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे एब्सेंट है। अगर ये फैक्टर एट आपके यहाँ पे एब्सेंट है, दैट विल लीड टू कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस ब्लीडिंग। राइट, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, एंड दिस कैन लीड टू ब्लीडिंग विदाउट फॉर्मिंग अ क्लॉट, विदाउट फॉर्मिंग क्लॉट। तो यहाँ पे आपका ब्लीडिंग आपका यहाँ पे होता है और आपका क्लॉट फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा नहीं। अब क्योंकि आपका यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो नहीं रहा, मतलब आपका ब्लीडिंग वहां पे रुक नहीं रहा, इससे आपके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पे आपको मिल सकता है कि इतनी ब्लीडिंग आपकी हो रही है वहां पे, दैट अ पर्सन माइट एंड अप डाइंग। राइट, सो वन हैज टू रश टू हॉस्पिटल। जनरली ऐसे पर्सन को हॉस्पिटल की तरफ रश करना पड़ता है अगर ऐसी कंडीशन होती है। तो आप पहले ये बात याद रखना कि अगर आपको कल उठ के कोई पूछे कि हीमोफीलिया में होता क्या है, सो आप जानते हो कि नॉर्मली क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। You know that normally you will find blood clotting is observed. So normal person के अंदर, एक बार फिर mention करो आपको यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं एक normal person के अंदर, in the normal person you will always find blood clotting is seen. Right? So, आपका एक ब्लीडिंग जब चालू होता है वो एक टाइम का आपका रुक जाएगा स्मॉल कट के अंदर। राइट, बट हीमोफिलिक पर्सन के अंदर अगर किसी को हीमोफिला है, सो हीमोफिलिक इंडिविजुअल जो आपका यहाँ पे होगा उसके अंदर नो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑब्जर्व। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। राइट, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। ओके, सो एक पूरा प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो आपने 11 के अंदर आपने एक बार पढ़ा होगा, इन द चैप्टर 18 के अंदर यू हैव दिस कंप्लीट कोएगुलेशन वाला। यस सर, उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ना ही उसको आपको याद रखना है, बट इतना याद रखना कि ब्लड क्लॉटिंग आपके बॉडी में होता है, कट लगने के बाद आपका ब्लड ब्लीडिंग आपका बंद होगा एक टाइम के बाद, हीमोफीलिया के अंदर वो नहीं होता। और आपसे कोई पूछेगा ना कि ये क्यों नहीं हो रहा हीमोफीलिया के अंदर, तो याद रखना यू हैव अ एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8। ये जो फैक्टर 8 है ना आपका यहाँ पे, जिसको मैं कह रहा हूँ कि एब्सेंट है बार बार, इसको हम इवन यहाँ पे कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको आप इवन बोलते हो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एंटीमोफिलिक फैक्टर. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट. अब हम वापस पीछे आते हैं. ये इतनी पहले ये बताओ कि ये वाली स्लाइड पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. यस. लड़कों को समझ आ रहा है? लड़कों को अरे बोलो कुछ. शिवा बाकी सारे लड़के हैं. अक्षय कर कोई चीज समझना है तो बताना फिर. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस राइट. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. Now what you will find, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपका यहाँ पे सेक्स लिंक कंडीशन, क्योंकि मैंने पहले मेंशन किया था कि मेरा यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन है, तो आप इसे समझ पाओगे. सो लड़कियों के पास होते हैं यहाँ पे 2X क्रोमोसोम यहाँ पे राइट. अगर कोई लड़की है एंड शी हैज अ कंडीशन ऑफ कैपिटल एच कैपिटल एच, देन क्या उसे हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा? नो सर. नॉर्मल लड़की कैपिटल एच है, कैपिटल एच इज अ नॉर्मल एलील, ये है ना यहाँ पे कैपिटल एल एच इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल एलील, सो हीमोफीलिया यहाँ पे इसको नहीं होगा राइट. सो अगेन आप समझ पाओगे यहाँ पे दैट यू हैव अ गर्ल व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग अ कैपिटल एच एंड स्मॉल एच, क्या इसे हीमोफीलिया होगा? नो सर. नो सर. यहाँ पे नॉर्मल होगी. क्यों नॉर्मल होगी? बिकॉज कैपिटल एच संभाल लेगा, कैपिटल एच विल एंश्योर दैट कि उसका ब्लड क्लॉटिंग आपका वहां पे आराम से हो रहा हो. लेकिन ये लड़के को क्या मैं कैरियर कह सकता हूँ? आई होप सबको ये बात समझ आ रही है. ये लड़के को बिल्कुल हम यहाँ पे कैरियर कह सकते हैं. और जो लड़की होगी जिसको हीमोफीलिया होगा, जो काफी रेयर कंडीशन में लड़कियों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी यू विल हैव स्मॉल एच स्मॉल एच. अगर दोनों आपके स्मॉल एच यहाँ पे होते हैं, देन आई कैन से इट इज गोइंग टू बी हैविंग द हीमोफीलिया. देन उसके अंदर आई कैन से दैट शी इज गोइंग टू बी हैविंग द हीमोफीलिया. फिर उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपका मिल जाएगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर यू हैव अ स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, देन वी कैन से दैट दैट गर्ल इज सफरिंग विद हीमोफीलिया. अब आप यहाँ पे समझ पाओगे कि यहाँ पे लड़कों को होगा डिसएडवांटेज. आई होप ये बात आप समझ पाओगे. लड़कों को यहाँ पे होने वाला है डिसएडवांटेज. एक बार फिर जैसे कलर ब्लाइंडनेस के अंदर हो रहा था, लड़कियां खुश हैं यहाँ पे, सो लड़कों को एक बार फिर यहाँ पे होगा डिसएडवांटेज. और वो डिसएडवांटेज आप यहाँ पे अब समझ पाओगे. डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होगा, दैट लड़कों के पास होता है एक ही एक्स क्रोमोसोम उनके पास यहाँ पे राइट. तो अगर वहां पे कैपिटल एच है, अगर वहां पे कैपिटल एच वहां पे है, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल. सो हम नॉर्मल है राइट. अगर देयर इज अ बॉय हु हैज स्मॉल एच ओवर हियर, अगर लड़का है जहाँ पे स्मॉल एच अगर वहां पे लगा हुआ है, बस इनके साथ मजाक में चाकू नहीं घुमा सकते. अरे मजाक मजाक में घुमा दिया फिर दिक्कत आ जाएगी आपको. सो दैट इज गोइंग टू बी हीमोफिलिक इंडिविजुअल. सो ये पर्सन आपके यहाँ पे होगा हीमोफिलिक राइट. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो राइट, कि आपका अगर सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन, देखो आपको नीट के अंदर सिर्फ सेक्स लिंक रिसेसिव भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, डोमिनेंट को भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है. तो सेक्स लिंक रिसेसिव में आपको ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं. एक हो गया आपका हीमोफीलिया, एक हो गया आपका यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस. सो हीमोफीलिया के अंदर याद रखना दैट अगेन यू विल फाइंड ये सेक्स लिंक्ड है, और इसके भी आपको ज्यादा केसेस मेल्स के ही मिलेंगे. अगर आप पॉपुलेशन में ढूंढने के लिए जाओगे तो आप देखना मेल्स के केसेस आपको ज्यादा मिलेंगे राइट. विल कम टू कम अक्रॉस मोर नंबर ऑफ केसेस ऑफ मेल्स हु आर गोइंग टू बी हीमोफीलिक राइट, कंपेयर टू द फीमेल्स. फीमेल्स के पास सिलेक्टिव एडवांटेज यहाँ पे होता है बिकॉज दे हैव टू एक्स क्रोमोसोम, तो एक कैपिटल एच यहाँ पे उनको सेफ गार्ड कर सकता है एंड दे कैन स्टिल बी अ कैरियर ओवर देयर राइट. तो ये बात याद रखना. बस हीमोफीलिया के साथ बात यह है कि ये होता है लाइफ थ्रेटनिंग. अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये ट्रीटमेंट तो छोटा ट्रीटमेंट तो है नहीं, बट अगर कोई कट लगता है और अगर आपने कट को एड्रेस नहीं किया फटाफट, अगर आपने कट को एड्रेस नहीं किया देन दिस कंडीशन कैन बी सीवियर. ये कंडीशन आपके यहाँ पे सीवियर हो सकती है. तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू. कलर ब्लाइंडनेस के साथ कोई कंसर्न आता नहीं है, सिर्फ वो कलर नहीं देख पाते आप वहां पे, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे राइट. बट हीमोफीलिया इज समथिंग विच हैज टू बी इज अ सीरियस कंसर्न. ओके, तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है. अब सब लोग एक बार फिर बता दो हीमोफीलिया क्या, आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर. यस सर. और बाकी सारे लड़के और बाकी सारी लड़कियां जो यस नेम कह रही, आई होप उन सबको ठीक है. सो हाँ जी, तो दिस समथिंग शुड बी अगेन क्लियर टू ऑल. अब हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट माय सिकल सेल एनीमिया. तो हमने दो कंडीशन हमारे यहाँ पे देख ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय सिकल सेल एनीमिया ओवर हियर. नाउ जब हम यहाँ पे बात करें हमारे सिकल सेल एनीमिया के बारे में,
सो दिस इज अ ऑटोसोमल कंडीशन, ये जो मेरे यहाँ पे है दिस गोइंग टू बी ऑटोसोमल कंडीशन ओवर हियर, सिकल सेल एनीमिया जो आपके यहाँ पे होती है ये होती है आपके यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। राइट, अब सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको क्या लगाना है यहाँ पे देखने के लिए, व्हाट वी विल फाइंड इन दिस, कि पहले हमें समझे कि इसके अंदर होता क्या जनरली। राइट, तो आपने इतना पता लगा लिया कि ये आपका एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है आपके यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको बेसिकली हुआ क्या कि ये ऑटोसोम्स के अंदर आपको मिलेगा इसका जीन, यू विल फाइंड द जीन इज देयर इन द ऑटोसोम्स। अब कौन सा ऑटोसोम के ऊपर होगा ये आप मुझे बताओगे, यू हैव टू टेल मी बाय रीडिंग योर एनसीईआरटी, यू हैव टू टेल मी कि ऑटोसोम कौन से ऑटोसोम होंगे जिसके ऊपर आपको ये वाला जीन आपको इसके अंदर मिलेगा। सो विच ऑटोसोमल क्रोमोसोम विल हैव अ जीन ऑफ अ सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसके अंदर ये है कि ये कंडीशन में बेसिकली आपके यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ की जो स्टोरी है या इसकी जो स्टोरी आपकी यहाँ पे है जो आप काफी ध्यान से सुनेंगे बिकॉज इसमें से कई सारे अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे आपका जीन है विच इज माई एच बी, एच बी फॉर माई हिमोग्लोबिन। सो हिमोग्लोबिन के इसके अंदर दो टाइप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, एच बी ए एंड यू हैव एच बी एस। एच बी ए इज अ नॉर्मल जीन, इट्स अ नॉर्मल एलील, सॉरी इट्स अ नॉर्मल एलील, अगर ए लिखा हुआ है इट्स अ नॉर्मल एलील, ये आपका यहाँ पे होगा नॉर्मल एलील। ओके, एच बी एस इज गोइंग टू बी अ सिकल सेल एलील, सिकल सेल एलील। सो अगर एच बी एस है देन दैट मीन्स अ पर्सन हैज बीन सफरिंग विद अ सिकल सेल एनीमिया। ओके, अब देखो यहाँ पे होता क्या, पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको कोई पर्सन मिलता है और अगर उस पर्सन के अंदर आपको दिख रहा है कंडीशन लाइक एच बी ए, एच बी ए, अगर आपको ये दो, अगर दो आपको एलील मिल रहे देखने के लिए, तो आप मुझे बताइए क्या वो पर्सन नॉर्मल होगा या उसे सिकल सेल एनीमिया होगा? नॉर्मल। कह रहे हो कि वो नॉर्मल होगा और बिल्कुल सी बात है, वो आदमी हमारा यहाँ पे नॉर्मल होगा, बिल्कुल सी बात है। इफ यू हैव अ कंडीशन, इफ यू हैव अ कंडीशन वेर यू हैव एच बी ए एंड यू हैव एच बी एस, तो इस कंडीशन के अंदर भी आपको जो देखने को मिलेगा नॉर्मल, नॉर्मल एलील, इसके अंदर भी यू विल हैव अ फेनोटाइप जो आपके यहाँ पे होगा, आपके यहाँ पे नॉर्मल होगा, दैट फेनोटाइप ओवर देयर इज गोइंग टू बी नॉर्मल। तो सिकल सेल कंडीशन आपको एग्जैक्टली तब मिलती है व्हेन यू हैव बोथ द एस वाले एलील, सो इफ यू हैव अ एच बी एस एंड इफ यू हैव अ एच बी एस देन ये है आपका डिजीज्ड फिनोटाइप, तो इस कंडीशन के अंदर यू विल हैव अ डिजीज्ड कंडीशन, सो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी अ डिजीज्ड कंडीशन, दिस विल बी अ डिजीज्ड कंडीशन। तो पहले तो आप ये याद रखो, अब है क्या ना एनसीईआरटी में सिकल सेल एनीमिया को जिस तरीके से बताया गया है हम उस तरीके से उसे पढ़ेंगे वहां पे, बट ऑन द अदर हैंड व्हाट यू विल फाइंड कि ये जो कंडीशन आपके यहाँ पे होती है ये काफी इसमें और भी चीजें आपको मिलती है देखने के लिए, बट वो जो और भी चीजें यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे दैट इज समथिंग वी विल डू इट लेटर, अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दैट व्हाट एवर आई एम बीइंग मेंशनिंग यू इन दिस ओवर द लाइक ऑन दिस मीटिंग जो मैं आपको एनसीईआरटी बेस आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, पहले आपको वो समझना है ठीक है, ताकि आपको वो चीज समझ आ जाए एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कपल ऑफ मोर थिंग्स जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, तो बोले तो आप याद रखना कि कौन से जीनोटाइप के अंदर आपको क्या कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी, अगर आपके दोनों कैपिटल ए हैं जो हम सबके अंदर है दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन, इफ समवन हैज कैपिटल ए एंड लाइक एच बी ए एंड एच बी एस देन अगेन ही इज स्टिल गोइंग टू बी अ नॉर्मल पर्सन, अगर कोई एच बी एस और एच बी एस यहाँ पे होता है दोनों अगर उसके सिकल सेल वाले एलील है देन दैट इज अ डिजीज कंडीशन, देन आपके जो कंडीशन यहाँ पे होती है वो आपके यहाँ पे हो जाएगी डिजीज कंडीशन। राइट, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आपकी जो डिजीज कंडीशन यहाँ पे हो रही है बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सी कि जो डिजीज कंडीशन के बारे में हम बार बार बात करी एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है, लेट्स स्टार्ट टू सी दैट। ओके, तो मैं पहले आपको एक काम करता हूँ यहाँ पे आपको समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग ओवर हियर, सी आपका जो आरबीसी होता है यू विल हैव द आरबीसी, यू विल हैव द आरबीसी ओवर देयर, और ये जो आरबीसी आपका होगा इट विल हैव द हीमोग्लोबिन, सो आरबीसी के अंदर आपको मिलेगा आपका हीमोग्लोबिन, इट्स आरबीसी विल हैव द हीमोग्लोबिन। अब हमेशा याद रखना आरबीसी में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना उसके अंदर आपको दो चीजें मिलती है, यू विल हैव अल्फा चेन
आपके पास दो अल्फा चेन होगी वहां पे एंड यू विल हैव टू बीटा चेन, लाओ बीटा चेन, सो यू हैव अल्फा चेन, आप इतना याद रख लो, यू विल हैव अल्फा चेन बीटा चेन, आप अपने लिए सिंपली सिंपल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रखो, यू विल हैव अल्फा चेन एंड यू हैव बीटा चेन, सो यू विल हैव अल्फा चेन यहाँ पे एंड यू विल हैव द बीटा चेन, बीटा चेन। अब ये अल्फा चेन और बीटा चेन है क्या? ये बेसिकली प्रोटीन है, दे आर नथिंग बट प्रोटीन, सी अल्फा चेन भी प्रोटीन से बना हुआ होता है, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, एक प्रोटीन है आपका, ये भी आपका एक प्रोटीन है राइट, और ये भी आपका एक प्रोटीन है। अब बात ये है कि ये प्रोटीन बने किससे होते हैं, तो आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, कि प्रोटीन बने होते हैं आपके अमाइनो एसिड्स से, प्रोटीन आर नथिंग बट मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड, सो जो प्रोटीन आपके होते हैं वो आपके बने हुए होते हैं आपके हमेशा अमाइनो एसिड से, सो दे आर मेड अप ऑफ योर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ योर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ योर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब हमें फोकस करना है हमारे बीटा चेन के ऊपर, अल्फा चेन को इग्नोर करो, बीटा चेन पे आप फोकस करो। अब ये बीटा चेन होती है ना, समझो अगर मैं यहाँ पे एक लंबा सा प्रोटीन बनाता हूँ, अब पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये मेरा यहाँ पे आरबीसी, आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया पपैया, आरबीसी है ठीक है, और आरबीसी के अंदर यू विल हैव दिस हीमोग्लोबिन राइट, जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनाकर रखा हुआ है दैट्स गोइंग टू बी हीमोग्लोबिन, ये आपका है यहाँ पे हीमोग्लोबिन इज योर हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन इसके अंदर होगा, यू विल हैव टू चेन्स, दो चीज आपको मिलती है इसके अंदर, यू हैव अल्फा चेन, यू हैव बीटा चेन, दोनों प्रोटीन होते हैं। अब आप यहाँ पे देखना है कि हमें बीटा चेन के ऊपर करना है यहाँ पे फोकस। अब समझो यहाँ पे है बीटा चेन, अज्यूम दैट यू हैव दिस इज योर बीटा चेन राइट, और बीटा चेन के अंदर जो आपका छठा अमाइनो एसिड होता है, बीटा चेन के अंदर जो आपका सिक्स्थ अमाइनो एसिड होगा, समझो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड देन यू हैव द सिक्स्थ वन, जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड आपका यहाँ पे होता है उसको होना चाहिए नॉर्मली, जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड यहाँ पे होगा बीटा चेन के अंदर, इट हैज टू बी ग्लूटामिक एसिड, इसको हमेशा होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, हम सबके अंदर यही है, जो सिक्स्थ पोजीशन पे जो आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अ ग्लूटामिक एसिड, दैट्स अ नॉर्मल थिंग राइट, सिक्स्थ पोजीशन पे जो आपका अमाइनो एसिड यहाँ पे होता है वो आपका होता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जिसको सिकल सेल अमीनिया होता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है, उसके अंदर आपको ग्लूटामिक एसिड नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको ग्लूटामिक एसिड नहीं मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दैट यू विल हैव द वैलिन ओवर देयर, द पर्सन सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया वहां पे क्या मिलेगा आपको, ग्लूटामिक एसिड नहीं मिलता, इंस्टेड ऑफ दैट आपको एक दूसरा अमाइनो एसिड वहां पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज माय वैलिन, सो ग्लूटामिक एसिड इज बेसिकली रिप्लेस्ड, इट इज बीन रिप्लेस्ड बाय वैलिन, और अगर आपको वहां पे वैलिन देखने के लिए मिलता है, अगर आप वहां पे वैलिन देखने के लिए मिलता है, दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ, दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन जहां पे you will find sickle cell condition will be seen, अगर ये मिलता है होते हुए, so basically अगर कोई sickle cell anemia से suffer कर रहा है तो उसके पास याद रखना glutamic acid कहां से sixth position आपको वहां पे नहीं मिलेगा, you will find them वहां पे आपको मिलेगा valine, और अगर आपको valine दिख रहा है आप समझ जाना the person is suffering with sickle cell anemia, the person will suffering with sickle cell anemia, तो ये चीज आपको यहाँ पे पहले तो इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो, एक बार फिर बता रहा हूँ ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, बीटा चेन, ये मेरा बीटा चेन का मैंने यहाँ पे लाइन बनाया हुआ है, दैट इज नथिंग बट माय बीटा चेन, ये बीटा चेन का मैंने यहाँ पे एक लंबा सा थ्रेड बनाकर रखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, और बीटा चेन के जो छठा अमाइनो एसिड यहाँ पे था वो आपका होना चाहिए आपका ग्लूटामिक एसिड, बट ग्लूटामिक एसिड की जगह ये यहाँ पे है कुछ और, एंड दैट कुछ और इज गोइंग टू बी योर वैलिन, अब क्योंकि आपका यहाँ पे वैलिन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो दैट मीन्स द कंडीशन हियर इज गोइंग टू बी माय सिकल सेल एनीमिया, जो कंडीशन मुझे यहाँ पे मिल गया That is going to be a sickle cell anemia, ठीक है, तो sickle cell anemia के अंदर आपको ये चीज सबको clear cut अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलती है, सो हम सबके अंदर कौन सा है अमाइनो एसिड छठे पोजीशन के ऊपर, मार्कन कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन अगर किसी को sickle cell anemia की कंडीशन है देन वहां पे ग्लूटामिक एसिड को नहीं मिलेगा, you will have the valine over there, okay? अगर वहां पे valine है then we will say the person will suffer with the sickle cell anemia. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि यार एक अमाइनो एसिड आपने यहाँ पे चेंज कर दिया तो आपसे यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, इतनी बड़ी क्या यहाँ पे आपकी मुसीबत आ रही है कि आप यहाँ पे हो क्या रहा है, तो क्योंकि आपका यहाँ पे एक पोजीशन पे आपका अमाइनो एसिड आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो पहले तो याद रखना कि ये होता क्यों है, लेट्स कम बैक ओवर हियर,
आप यहाँ पे देखो इस पिक्चर को, आप यहाँ पे देखो. सो यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर, यू हैव अ नॉर्मल एचबी, राइट. ये बेसिकली जो यहाँ पे दिया हुआ ना, दैट्स अ डीएनए दे हैव गिवन. ये आपका एक डीएनए का सीक्वेंस है, ये आपका डीएनए का यहाँ पे सीक्वेंस है. इस चीज को यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप चैप्टर नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर आप इसे समझ पाओगे कि यहाँ बेसिकली करा के जा रहा है. अभी वैसे याद रखना, अभी वैसे याद रखना, डीएनए सीक्वेंस, उसमें से आप बनाए अपने एमआरएनए, उसमें से आपने आप बनाया अपने एमआरएनए. अगर आपको याद हो तो बताया, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब 11 में पढ़ा होगा, आपके डीएनए में से आपका बनता है एमआरएनए. वापस मैं कह रहा हूँ, इट्स हैज़ बीन मैसेंजर आरएनए, ऑलवेज सिर्फ आरएनए मत बोला करो. और उस एमआरएनए से आपका बनता है प्रोटीन. कुछ याद आ रहा है, आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप ये पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. अब सुनो मेरी बात. तो यहाँ पे आपका जो एमआरएनए है होता है नॉर्मल लोगों के अंदर, वो क्या होता है, जीएजी, राइट, ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, राइट. सो हम सबके अंदर जो एमआरएनए है यहाँ पे, वो है हमारा जीएजी, जिसको सिकल सेल होता है, जिसको सिकल सेल होता है उनका एमआरएनए यहाँ पे बदल जाता है, इट बिकम्स माय जीयूजी. उनका एमआरएनए यहाँ पे बदल गया. अब उनका एमआरएनए क्यों बदला, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस तो बदल गया उनका. डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे जो था नॉर्मल पर्सन का, वो यहाँ पे नहीं है, राइट. तो ये डीएनए सीक्वेंस से क्यों बदला, वो सब हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, कि डीएनए सीक्वेंस से कैसे कैसे डीएनए सीक्वेंस में चेंज होता है, तो अफेक्ट करता है एमआरएनए के ऊपर, वो हम बाद में सीखेंगे. अभी याद रखना कि एमआरएनए का सीक्वेंस यहाँ पे है जीएजी, एंड एमआरएनए का सीक्वेंस जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको होता है जीयूजी. जैसे ही आपको ये कोड आपका यहाँ पे बदला, आपने सिंगल चेंज यहाँ पे किया ए और यू का, यहाँ पे बेसिकली सिंगल आपका यहाँ पे जो चेंज हुआ, सिंगल बेस का यहाँ पे जो चेंज हुआ, उससे क्या हो गया, उससे मेरा यहाँ पे पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया. हम सबके अंदर होता है ग्लूटामिक एसिड, और उस पर्सन के अंदर होगा वहां पे आपका वैलिन 6 पोजीशन के ऊपर, और क्योंकि वहां पे आपको वैलिन मिल रहा है देखने के लिए, द पर्सन विल हैव अ सिकल सेल एनीमिया. तो याद रखना, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. तो एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन पे अगर आपका हो रहा है, अगर एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन पे अगर आपका होता है, जिसे हम बाद में सीखेंगे कि क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन, बट याद रखना, अगर एक सिंगल पोजीशन पे अगर कोई चेंज हो रहा है ना डीएनए के अंदर, जिसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, अगर वो भी अगर आपका यहाँ पे हो रहा है, देन दैट कैन लीड टू अ कंडीशन ऑफ योर, उससे हो सकता है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया. अब सवाल यहाँ पे हम बार बार करेंगे, सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, इसमें होता क्या, लेट्स ट्राई टू सी दैट. पहले ये बताओ, क्या ये बात यहाँ पे आपको समझ आ रही है, इज दिस थिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. यस सर. किसी ने तो भी नो बोला, किसी ने तो भी नो बोला, बताओ किसने नो बोला, राइट. ऑलराइट, अच्छा, लड़कों को सब समझ आ रहा है यहाँ पे? अक्षय, प्रखर, यस सर, अनिरुद्ध, शिवा एंड महेश, ओम, ऋषभ एंड ऑल द अदर बॉयज. कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बताओ, बोलो महेश. समझ आ गया सर. ठीक है, ऑलराइट. तो ये आपको होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं यहाँ पे. अब इसको एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं. सी, अगर किसको सिकल सेल एनीमिया है तो नॉर्मली उसमें दिक्कत क्या आती है. इफ समबडी इज सफरिंग विद, I'll just write short, sickle cell anemia को इसको लिखता हूँ. अगर किसी को sickle cell anemia है तो वहाँ पे क्या problem आपको वहाँ पे आते हुए दिख सकती है. तो issue वहाँ पे ये आएगा, the condition के अंदर issue यहाँ पे ये आता है, that आपका जो RBC होगा, जो normal आपका होता है bi-concave shape का, अब RBC थोड़ा ठीक बना है. So this RBC which will have a bi-concave shape, this will become sickle shaped. इसका shape हो जाएगा आपका इस तरीके से. This will become sickle shaped. अब आप लोग बोलेंगे सर कोई बात नहीं ना सर, शेप तो तब भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है, थोड़ा वैरायटी मिल रही है आपको अंदर के अंदर, बॉडी के अंदर. ऐसा नहीं होता बेटा. अगर सिकल शेप यहाँ पे हो रहा है तो पहले तो आपको याद रखना है, सिकल शेप अगर आपका होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है. सिकल शेप अगर आपका आरबीसी यहाँ पे हो जाता है तो उससे होता है, एक तो इसका लाइफ स्पैन हो जाता है कम, इट विल हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, इट विल हैव द शॉर्टर लाइफ स्पैन, इट विल हैव द शॉर्टर लाइफ स्पैन. तो नॉर्मली आपका आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का. याद रखना, नॉर्मल आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो आपका होता है 120 डेज का, 4 महीने जिंदा रहता है आपके आरबीसी, राइट. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड लाइक 20 डेज. सो लाइफ स्पैन आपका यहाँ पे छोटा हो गया, राइट, दैट्स वन थिंग. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनकी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज गोइंग टू
डिक्रीज, वो आपके यहाँ पे कम हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है कि जितना ऑक्सीजन वो लोग कैरी करके जा रहे थे पहले, अब उतना कैरी करके आपके यहाँ पे लेके जाएंगे नहीं, राइट। थर्ड थिंग, दे कैन नॉट पास थ्रू स्मॉल कैपिलरीज, दे कैन नॉट पास थ्रू स्मॉल कैपिलरीज, थ्रू स्मॉल कैपिलरीज। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि आपकी जो कैपिलरीज होती है वो कई बार आपकी काफी शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है। सो अज्यूम दैट यू हैव अ ब्लड कैपिलरी यहाँ पे, और ये काफी, ये आपकी नॉर्मल ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। इसमें से आपका नॉर्मल आरबीसी पास हो सकता है, आपका जो बाय कॉन्जुगेट आरबीसी है आपका इजिली आपके यहाँ से पास हो सकता है, लेकिन जो आपका सिकल सेल आरबीसी होता है ना यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे अटक जाएगा, वो आपका यहाँ पे आके आपका अटक जाएगा। सो दिस सिकल सेल आरबीसी विल स्टार्ट फॉर्मिंग दिस ब्लड क्लॉग, यहाँ पे क्लॉग करना चालू करेगा। क्लॉग, जैसे आपने क्लॉग टर्म सुना होगा, जैसे कई बार हमारे पानी नहीं जा रहा होता बाथरूम में या सिंक के अंदर अटक जाता है, वैसे यहाँ पे यू विल हैव दिस ब्लड क्लॉग हैपनिंग ओवर हियर, यू विल हैव दिस ब्लड क्लॉग विल बी सीन हैपनिंग। अगर आपके ब्लड क्लॉग आपका यहाँ पे हो रहा है कि आपका आरबीसी यहाँ पे आके अटक गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा, अब आप सोचो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आपका ब्लड यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर आपका ब्लड यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा तो आगे जो टिश्यूज होंगे उनको तो फिर न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, ना ही न्यूट्रिशन मिलेगा ना ही ऑक्सीजन मिलेगा, समझ लो इस बात को। अगर आपका आरबीसी अगर यहाँ से अटकने लगा आपके कैपिलरी के अंदर, यहाँ पे अगर आपका ब्लड क्लॉग होने लगा आपका यहाँ पे, देन वॉट हैपन्स ओवर हियर, आपको जो ब्लड होगा यहाँ पे वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कोई मेजर टिश्यू की तरफ अगर वो जा रहा होगा तो वहां पर वो जा ही नहीं पाएगा। अगर वो मेजर टिश्यू के पास पहुंच नहीं पाएगा ब्लड, तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी जा रहा है न्यूट्रिशन भी जा रहा है, तो टिश्यू को वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वहां पर मिलेगा नहीं। सो दिस इज वॉट विच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, और ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पे बन जाता है। सो ब्लड क्लॉग यहाँ पे हो सकता है विच कैन लीड टू अ पेन, राइट। ये चीजें काफी, दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू अ सीवियर पेन, सीवियर पेन तो बहुत बेसिक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, काफी और कंडीशन यहाँ पे खराब हो सकती है। समझो अगर कोई ब्रेन में जाने वाली आपकी कैपिलरी है और अगर उसके अंदर ऐसे क्लॉग बनने चालू हो गए, तो आपके ब्रेन के अंदर जो नरिशमेंट पहुंचना चाहिए था वो पहुंच नहीं पाएगा, एंड दैट कैन हैव अ सीवियर डैमेज, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ पेन इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर, वेरी लाइक वेरी इजिली विच विल बी सीन। सो ये चीजें आपको यहाँ पे होते हुए मिलती है, तो समझो इसलिए इसका ये दिक्कत आता है। इफ यू हैव अ सिकल सेल्ड आरबीसी देन इट विल हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। अब आप ये बात समझो कि अगर शॉर्टर लाइफ स्पैन हुआ तो आरबीसी की डेथ जल्दी हो रही है। अगर आपके आरबीसी की डेथ जल्दी हो रही है देन यू विल ऑलवेज हैव अ इशू ऑफ एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है, लेस नंबर ऑफ आरबीसी। यस सर, अगर आपके आरबीसी की डेथ बार बार जल्दी जल्दी हो रही है, सो दैट मीन्स यू विल हैव अ एनीमिक कंडीशन ऑल द टाइम। अगर आपके अंदर एनीमिक कंडीशन है देन आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करने की जो क्षमता है वो आपके आरबीसी की काफी कम हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, और यही चीज आपको होती है देखने के लिए, आपको मिलती है आपकी सिकल सेल एनीमिया के अंदर। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द सिकल सेल एनीमिया, राइट। सो इतना नॉर्मली लाइफ स्पैन इसका होता है 120 डेज का, ओके। बट अगर सिकल सेल कंडीशन में यहाँ आ जाता है, अगर समझ सकते सिकल सेल एनीमिया, देन ये सारी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, सिकल सेल वाली जो कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है ना, एकदम सिकल सेल वाली कंडीशन, ये आपको देखने के लिए मिलेगी सडनली अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन। तो आरबीसी का जो शेप होता है ना, सडनली एकदम से आपका चेंज हो जाएगा, कब? व्हेन यू हैव अ लो ऑक्सीजन टेंशन, व्हेन यू हैव अ लो ऑक्सीजन टेंशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, वो कब होगी? जब आप एक्सरसाइज करोगे तब, या अगर आप कोई बहुत रनिंग कर रहे हो तब, या फिर आप चले गए ले लद्दाख जहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑक्सीजन कम होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, आप जानते हो ना हायर एलिवेशन पे ऑक्सीजन आपका काफी कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सडनली आपके आरबीसी का शेप आपका चेंज हो जाकर एकदम ऐसा बन जाएगा, सडनली इट द शेप विल बिकम लाइक दिस एंड देन इट विल बिकम मच मोर सीवियर। तो ये कंडीशन ज्यादा सीवियर आपके यहाँ पे हो सकती है। तो याद रखना, लो ऑक्सीजन कंडीशन के अंदर या लो ऑक्सीजन टेंशन की जगह मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, और तो आपके समझना ज्यादा आसान होगा। सो लो ऑक्सीजन कंडीशन के अंदर, इन द लो ऑक्सीजन कंडीशन, और ये आपका हो सकता है वाइल डूइंग द सीवियर एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सो इन द लो ऑक्सीजन कंडीशन, जो आपको कब हो सकती है बॉडी के अंदर, व्हेन यू गो फॉर अ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, राइट।
or at a higher elevation, or at a higher elevation. So in conditions ke andar what will happen? Ruk jao beta, ruk jao. Na, Monica, your question in the last, after the class. After the class only. So if you have a higher elevation, if you go to a higher elevation, or if you have a high intensity exercise we do over there, then the person can have physical cell condition in this. ठीक है, right? रानी बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर एक बार दोबारा बता देना क्योंकि लिफ्ट हो गए थे ना नेटवर्क इश्यू। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे हो ये रहा है आपका कि अगर कोई पर्सन है जिसको ये कंडीशन है, सिकल सेल वाली कंडीशन है, लेट्स से ये वाली कंडीशन है या दिस कंडीशन HBS, तो अगर ये पर्सन कभी भी अगर लो ऑक्सीजन टेंशन की कंडीशन जनरेट, अगर इसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, वो कब होगी? अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है या अगर कोई पहाड़ के एकदम एलिवेशन पर चढ़ गया, मतलब हाई एलिवेशन पर जाता है, तो वो टाइम पे क्या होगा? अगर कोई भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको ऑक्सीजन का कमी बॉडी के अंदर होता है, तो वो टाइम पे क्या होगा? ऑल द आरबीसी विल क्विकली कन्वर्ट इनटू सिकल सेल आरबीसी। सडनली जो आपके यहाँ पे जो आरबीसी होंगे उनका शेप आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ऑल द आरबीसी एंड द शेप इज गोइंग टू चेंज ओवर देयर, और जैसे उनका यहाँ पे शेप चेंज होगा देन यू नो इट कैन क्रिएट अ सीवियर कंडीशन ओवर देयर। अब सवाल आपका होता है यहाँ पे क्या आ सकता है, सवाल आपका यहाँ पे आ सकता है कि सर अगर कोई भागम दौड़ी नहीं कर रहा, अगर कोई भागम दौड़ी नहीं कर रहा तो क्या आरबीसी का शेप यहाँ पे चेंज नहीं होगा? द आंसर इज यू विल फाइंड द आरबीसी का शेप यहाँ पे चेंज होगा ओनली व्हेन समवन हैज दिस काइंड ऑफ फिजिकली कंडीशन। अगर किसी का ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन जनरेट होता है तब आरबीसी का शेप आपका यहाँ पे चेंज होगा। बट होता क्या है कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, देन आपकी ये कंडीशन जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कमी होगी वो आपका होगा, दैट विल हैपन, दैट विल इवेंचुअली हैपन। क्यों होगा? अगर वो कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा और तब भी अगर उसकी बॉडी के अंदर एनीमिया हो रहा है तो वो टाइम पे भी आपके पास लेस नंबर ऑफ आरबीसी है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। सो इन दैट कंडीशन आल्सो यू कैन हैव अ इशू ऑफ योर सिकल सेल। हां जी पूरा बताइए क्या सवाल है आपका। सर पर ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, फिर ये शुरू से ही नहीं होगा। हां सो लेट्स से राइट अपूर्वा, सो यू हैव अ जेनेटिक डिसऑर्डर जहां पे यू हैव अ डिफेक्टिव एलील। ओके, सो यू नाउ यू हैव डिफेक्टिव एलील, लेकिन डिफेक्टिव एलील का जो फिनोटाइप आपको आता है वो आता है आपका सर्टेन कंडीशन के अंदर। सो ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। सो अगर कोई बेबी बॉर्न होता है विद HBS, सो इट इज देयर, सो दैट पर्सन विल हैव अ, उसके अंदर आपको एक ऐसा आप समझो उसके अंदर थोड़ा डिफॉर्म्ड आरबीसी तो होगा ही होगा हमेशा स्टार्टिंग से ही, लेकिन जो सिकल सेल आपका बनेगा वो आपका बनेगा ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन के अंदर। सडनली इफ यू हैव अ टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी इट विल बिकम सिकल सेल, एंड देन यू विल फाइंड कि नंबर ऑफ सिकल सेल आरबीसी आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएंगे एंड देन दे विल हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लॉग ओवर देयर। ठीक है, जो भी है बचपन से ही है, आप समझो इस बात को, जो आपका डिफेक्टिव एलील है वो आपका बचपन से ही है, बस उसका फिनोटाइप किसी एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर आपको क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना अपूर्व एंड ऑल ऑफ यू कि अगर कोई सिकल सेल एनीमिया का पर्सन जिसके अंदर ये वाले फिनोटाइप है, इफ दे हैव दिस काइंड ऑफ फिनोटाइप, देन दे विल हैव स्लाइटली डिफॉर्म्ड आरबीसी। आरबीसी का शेप वहां पे एकदम नॉर्मल नहीं होगा, वो डिफॉर्म्ड होगा, बट एकदम जो सिकल शेप जो हम यहाँ पे बना रहे दैट विल ओनली हैपन इन द ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन, एंड देन यू विल फाइंड इट विल जस्ट कीप ऑन फ्लोटिंग इन द ब्लड, और फिर आपको क्लॉक करना वहां पे आपका चालू करेगा। अपूर्व समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, सो इट इज देयर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बट ओनली थिंग इज ओनली इन दैट ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन आपको ये क्लियर कट फिनोटाइप आपको देखने के लिए मिलता है। सो अगर कोई कंडीशन है ना HBS, सो यू विल ऑलवेज से इट्स अ सिकल सेल एनीमिया का कंडीशन, एंड सूनर और लेटर यू विल हैव अ गुड नंबर ऑफ आरबीसी हैविंग अ सिकल सेल इन द पर्सन, वो आपको देखने के लिए आपको मिलता है वहां पे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, ये है आपके यहाँ पे डिजीज कंडीशन। अगर HBA और HBS है आपके यहाँ पे, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल, ये पर्सन आपके यहाँ पे नॉर्मल होगा, एंड इफ यू हैव HBA जो हम सब है यहाँ पे, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ नॉर्मल पर्सन ओवर हियर, ये आपको हमेशा नॉर्मल वे यहाँ पे देखने के लिए। पहले आप ये बताओ क्या इतनी कहानी है जो slide 1, slide 2, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है 6th पोजीशन वाला, क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. And then you have to know this thing where you have alpha chain, beta chain, RBC, hemoglobin, and क्या आपका यहाँ पे हो रहा है basically, and यहाँ पे आपका shape, आपका यहाँ पे change, आपका यहाँ पे किस तरीके से आपका यहाँ पे होगा, ये पहली चीज आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा जो आप सुन लो ध्यान से, हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, बट एक चीज आप यहाँ पे सुन लो, बात ऐसी है ना, ध्यान से सुनना, people having sickle cell anemia have a advantage, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है ना, ये याद रखना कि जो सिकल सेल एनीमिया जो आपको मिलता है ना देखने के लिए ज्यादा,
वो आपको मिलता है देखने के लिए इन द अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका में, अफ्रीका में इट इज क्वाइट कॉमन, इट इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉमन टू सी सिकल सेल एनीमिया. ये आपको इसका जो एलील है वो आपको वहां पे ज्यादा कॉमनली आपको देखने के मिलता है. द क्वेश्चन इज कि आपको सिकल सेल एनीमिया को जो एलील है वो अफ्रीका में आपको इतना कॉमनली देखने के लिए आपको वहां पे क्यों मिलता है, इसका एडवांटेज यहाँ पे क्या है. तो इसका एक एडवांटेज है, एडवांटेज ये होता है कि जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता. एडवांटेज यहाँ पे ये दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मलेरिया. दीज पीपल आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मलेरिया. अब सवाल यहाँ पे याद है कि मलेरिया से लोग कैसे बच पा रहे, क्या रिलेशन है यहाँ पे इसका. तो आप याद रखना कि मलेरिया का जो प्रोटोजोन होता है वो आरबीसी के अंदर जाता है. मलेरिया का जो प्रोटोजोन होता है, मलेरिया कॉज करने वाला जो, याद होगा ना प्लाज्मोडियम, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा कभी ना कभी. जो प्लाज्मोडियम होता है इसके अंदर, सो प्लाज्मोडियम जो आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट प्लाज्मोडियम विल नॉट एंटर द आरबीसी, विल नॉट एंटर द आरबीसी. इसका आरबीसी में जाना बड़ा जरूरी है, जब तक आरबीसी के अंदर जाएगा नहीं तब तक इसका लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म या आगे चालू नहीं हो सकता. तो आपको याद यहाँ पे रखना है कि प्लाज्मोडियम जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका आरबीसी के अंदर आपका यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा. इट विल नेवर बी एबल टू एंटर द आरबीसी. क्यों नहीं कर पा रहा, इफ यू हैव अ सिकल सेल कंडीशन. अगर पर्सन का सिकल सेल कंडीशन है तो उसका आरबीसी का इतना ऐसा डिफॉर्मेशन वहां पे हो जाता है कि वो अब आरबीसी उस प्लाज्मोडियम के लिए काम का नहीं होता, राइट. चाहे वो भाग रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन हो या ना हो, वो आरबीसी का जो डिफॉर्मेशन होता है वो ऐसा होता है कि वो आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम आपका एंटर नहीं कर सकता. अगर मेरा प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर एंटर नहीं कर सकता, देन सिंपल सी बात है उसका लाइफ साइकिल वहां पे आगे चालू होगा नहीं. अगर उसका लाइफ साइकिल आगे चालू होगा नहीं, देन द पीपल विल नॉट हैव अ इशू ऑफ मलेरिया. तो याद रखना, आपको ये सवाल कभी आ सकता है कि इसका सिलेक्टिव एडवांटेज कहाँ मिल रहा है आपको. इसका सिलेक्टिव एडवांटेज आपको मिल रहा है अफ्रीका के अंदर, जहाँ पे मलेरिया इज वन ऑफ द वेरी मेजर कंसर्न ओवर देयर, राइट. और वहां पे आपको क्या मिलेगा कि वहां पे सिकल सेल के केसेस आपको ज्यादा मिलते, बिकॉज ओवर देयर दे हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज. एडवांटेज ये दैट इफ यू हैव अ एलील ऑफ सिकल सेल एनीमिया, देन यू आर गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मोडियम वायरस. उससे आपके यहाँ पे बचत आपके यहाँ पे हो रही है. तो ये बात आपके यहाँ पे, ये अलग सी बात है जो इनसाइड में मेंशन नहीं किया हो, बट इट कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन. इसलिए आपको ये चीज आपको याद रखनी है. दिस इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग. क्या ये बात अब आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. अब बताइए मोनिका, क्या बोलिए मोनिका, बताइए क्या सवाल है आपका? सर यही क्वेश्चन था कि मतलब ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर था ना, तो फिर ये ऑक्सीजन टेंशन में कैसे वो सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट हुआ? हो गया, इसलिए यू जस्ट हैव टू वेट फॉर मी टू कंप्लीट द थिंग्स एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू आस्क क्वेश्चन आफ्टर दैट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये चीज आपको यहां पे आ रही है. अब एक काम करें, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. रुकोगे 10 मिनट? खाना 10 मिनट बाद खा लेना. यस सर. ऑलराइट, सो यू हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. So you have a color blind man, right? एक लड़का है आपके पास यहाँ पे, who is going to be color blind. एक लड़का है आपके पास यहाँ पे, who is going to be color blind. इनकी शादी हो रही है एक लड़के से, who is homozygous for normal vision. The probability of their son being color blind is going to be what? तो इसको आप देखो यहाँ पे और अपना फिर हैंड रेस करो. और सब लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. और जिसने गलत किया उसको हम डांट ही सकते और क्या ही बोल सकते हैं, right? So make sure that you get this answer correct, because ये आपको मैं समझा चुका हूँ. एक बार मैं आपको ये help कर देता हूँ इसके अंदर. यहाँ पर color blind man, याद रखना color blindness क्या होता है, sex linked या autosomal? Sir, sex linked, right? So you have your man who is going to be XY over here, right? और ये जो XY वाला जो आपके यहाँ पे man है, who is going to be what? Color blind. ये आपका color blind है. तो यहाँ पे क्या होगा, small c होगा या capital C होगा? Small c. अब इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ, राइट, विद योर गर्ल हु इज गोइंग टू बी होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर. तो इसके ऊपर क्या होगा, स्मॉल सी होगा कैपिटल सी होगा? कैपिटल सी. दोनों कैपिटल सी होंगे, एक ही कैपिटल सी होगा? दोनों होंगे, क्योंकि बोला गया ना यहाँ पे होमोजाइगस है वो नॉर्मल विजन के लिए, राइट. ये कंडीशन आपके यहाँ पे दिख रही है. अब आप मुझे बताओ, हैंड रेज करके सब लोग बताएंगे इसका आंसर. वैसे नहीं, सबने सही से सॉल्व करा, एंड देन यू हैव टू रेज योर हैंड एंड टेल मी कि इस कंडीशन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है आपके यहाँ पे कि इनका जो लड़का होगा उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हैं.
कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है और हम हमारा सवाल पूछेंगे। अंकिता बताइए क्या होगा इसका आंसर। अंकिता यहाँ पे ए कह रहे हैं, ठीक है। शिव आपको क्या लग रहा है? सर ए। ठीक है, राइट। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। और दीपिका आपको? यस सर, ऑप्शन ए। दीपिका बता दीजिए आपको ऑप्शन ए ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर आएगा, एक्सप्लेन करिए। सर क्योंकि इसका जो वो क्रोमोसोम है वो, बोलो बोलो बेटा, पूरा कंट्री सुन रहा है सारे बच्चे सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपका आंसर बताओ क्या होगा। अरे एक्सप्लेन कर दो, आपका आंसर सही है, जीरो इज द करेक्ट आंसर, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन बाय। देखो आपको भूख लगी है? नो सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अक्षर आप बताओ क्या होगा, क्यों आ रही है जीरो यहाँ पे? सर हम इसका एक्स स्मॉल सी वाई का क्रॉस करवाते हैं एक्स कैपिटल सी से, तो इसमें एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी पहला फिनोटाइप बन रहा है, ये गर्ल होगी, कैरियर गर्ल है, और इसमें मेल बन रहा है एक्स कैपिटल सी एंड कैपिटल वाई जो कि नॉर्मल है, और दूसरा भी सेम बन रहा है, तो मतलब इसमें 0% चांसेस है। सिंपल सी बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, बिल्कुल सही है कि अगर आपके यहाँ पे होमोजाइगस है यहाँ पे लड़की, तो कोई चांस नहीं कि लड़का यहाँ पे होगा अफेक्टेड, लड़का हमेशा यहाँ पे नॉर्मल होगा, बिकॉज देखो फादर के एंड से क्या आएगा, फादर के एंड से आपका आएगा वाई क्रोमोसोम, फादर के एंड से फाइव क्रोमोसोम आएगा, और मदर के एंड से आपका हमेशा यहाँ पे आएगा नॉर्मल क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, और दोनों यहाँ पे एक्स जो है वहाँ कैपिटल सी वाले, तो लड़के तो हमेशा यहाँ पे नॉर्मल ही होंगे, लड़के हमेशा यहाँ पे नॉर्मल होंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग बात है कि फादर कलर नहीं देख पा रहे लेकिन लड़के हमेशा यहाँ पे कलर देख पाएंगे क्योंकि मदर के पास है नॉर्मल यहाँ पे एलील्स यहाँ पे, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज रखना, दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द कलर ब्लाइंडनेस। सो क्या आप सबको ये समझ आ रहा है? होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है। मैंने चलो चलो एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द हीमोफीलिया, इनमें से कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है हीमोफीलिया के लिए? हैंड रेस करेंगे आप लोग यहाँ पे, चलिए सब लोग यहाँ पे हैंड रेस करिए, मतलब सब लोग हैंड रेस करेंगे। बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। मोनिका यहाँ पे कह रही है बैटमैन वाला ऑप्शन बी, मोनिका यहाँ पे कह रही है डी। ऑलराइट, तवनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? सर दिल्ली। ऑलराइट, काजल क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। हां ठीक है, डी है, सो सेक्स लिंक इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही। ओके, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब लोग, और सब लोग करेंगे। अनिरुद्ध महेश क्या है आप लोग, आप लोगों को इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, सो यार देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देयर इज अ मैन जिनके पापा को कलर ब्लाइंडनेस था, हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, मैरिज अ वुमन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर, वॉट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे बनाओ, क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, एक आदमी है यहाँ पे, सो लेट्स मेक अ बॉय, लेट्स मेक अ मैन, और उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो आपके आदमी है इनके जो फादर थे, हिज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, तो अगर उसके फादर कलर ब्लाइंड थे तो क्या उससे इस आदमी को फर्क पड़ेगा, क्या उससे इस पर्सन को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। राइट, अब ये जो हमारा लड़का है, सो हम कहेंगे कि इसके पास होगा यहाँ पे कैपिटल सी, राइट, लेट्स से ही इज गोइंग टू बी हैविंग अ कैपिटल सी। अब ये जो यहाँ पे लड़का है, इसको हमने क्रॉस कराया विद अ गर्ल, सो ही मैरिज अ वुमन, सो ये एक वुमेन के साथ गेटिंग मैरिड, हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, तो इनकी जो मदर थी यहाँ पे, वो थी यहाँ पे कलर ब्लाइंड, तो मदर अगर कलर ब्लाइंड थी यहाँ पे तो क्या होगा मदर का स्मॉल सी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो इनकी बेटी, उनके पास एक स्मॉल सी तो होगा ही होगा, स्मॉल सी तो इनके पास होगा ही होगा, राइट, लेकिन उनके फादर यहाँ पे नॉर्मल थे, उन्होंने बोला कि हाँ जी उनकी मम्मी को तो कलर ब्लाइंड था लेकिन उनके फादर नॉर्मल थे, तो दैट मींस दूसरा होगा मेरा यहाँ पे कैपिटल सी, दूसरा मेरा यहाँ पे होगा कैपिटल सी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है दैट व्हाट
परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, कितने मेल चिल्ड्रन यहाँ पे होंगे जो आप यहाँ पे कलर ब्लाइंड होंगे। तो चलिए सॉल्व करना चालू करिए सब लोग, और फिर हैंड रेस करिए। चलिए जल्दी सॉल्व करना चालू करिए, सबको खत्म करके क्लास घर जाना है। सो स्टार्ट डूइंग दिस क्विकली। चलिए क्रॉस करिए एंड बताइए क्या होगा इसका आंसर, कितने लोगों ने किया। शिवा हो रहा है ये क्वेश्चन, नहीं हो रहा? यस सर। करो बेटा करो। अनिरुद्ध, महेश, प्रखर, अक्षय कुमार, 50% किसी ने तो भी आंसर बोला। अच्छा अपेक्षा क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन सी। अंकिता आपको क्या लग रहा है? अक्षरा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सेम सी। अपूर्वा बोलो, अपूर्वा बोलो। ए सर। अपूर्वा को ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके सिद्रा आपका क्या आ रहा है? सर ए। ना हो गया अक्षरा हो गया। सिद्रा आपका क्या आंसर? सर मैंने नहीं दिया था सर, प्लीज सर। ये क्या सर, मैंने सच में ध्यान नहीं दिया सर। हाँ कोई बात नहीं, सिद्रा बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। सिद्रा का ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे। अरे महेश आपका क्या आ रहा है? 50% महेश का 50% आ रहा है। ओके इंटरेस्टिंग। चलिए अपूर्वा का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। अपूर्वा इसका सही ना ऑप्शन है। ऑलराइट जानवी क्या लग रहा है इसका आंसर, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी। ऑलराइट ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे क्रॉस करके। सो यू हैव, लेट्स मेक दिस क्रॉस। सो यू हैव अ हस्बैंड हु इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर हियर, राइट, एंड ही इज गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल हु इज गोइंग टू बी अ कैरियर। तो यहाँ पे जो लड़की आपकी, यहाँ पे आपकी कैरियर है, ही इज गोइंग टू बी अ कैरियर। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं, when we are doing this cross, so now let's see what will be happening. तो यहाँ पे ये जो लड़की बनेगी यहाँ पे, क्या ये लड़की नॉर्मल होगी अफेक्टेड होगी? सर ये नॉर्मल होगी, होगी क्योंकि दोनों यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल सी आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। देन यू हैव अ सन, सन जो यहाँ पे बनेगा ये नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा? नॉर्मल होगा, कैपिटल सी मदर कैंड से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम करके देख लेते हैं। सो हियर यू विल हैव X chromosome, एक होगा मेरे यहाँ पे small c, एक होगा मेरे यहाँ पे capital c, right? तो क्या ये normal होगा या affected होगा? Normal होगा, right? And then you have a condition of your x and y over there, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आएगा वो आपका आएगा small c, तो ये जो लड़का यहाँ पे होगा वो होगा आपका यहाँ पे affected, that will be affected. मैं बताता हूँ, आपने गड़बड़ की कहाँ पे? इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन वुड ऑफ द कपल विल बी कलर ब्लाइंड। उन्होंने मेल चिल्ड्रन स्पेसिफिक लिखा था। अगर वो बोलते ना टोटल चिल्ड्रन में से कितने आपके हो सकते कलर ब्लाइंड, तो आप लिखते 25% अपने उस हिसाब से, वो 25% यहाँ पे आपने पिक कर दिया। उन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, तो मेल यहाँ पे कितने हैं? दो है आपके पास, दो मेल चिल्ड्रन यहाँ पे, और दो में से आपका एक होगा जो यहाँ पे अफेक्टेड होगा, एंड दैट इज व्हाई 50% विल बिकम द करेक्ट आंसर। अब पूरा समझ आया कहाँ पे गड़बड़ हुई आपकी? ठीक है, सो 50% बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये होगा इनिशियली, ऐसा कई बार हो सकता है। सो देयर वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन विल ऑफ अ कपल विल बी कलर ब्लाइंड, सो यस 50%। तो आई होप सबने ऐसे करके ही आंसर निकाला होगा, और ऐसी ऐसी आंखें बंद करके आंसर निकाल लिया, आई होप सबने किया होगा। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर मैं आपको रिलीज कर दूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन फिर, देन यू कैन हैव योर डिनर जाके। बस एक और क्वेश्चन, अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या है, खुद से करोगे या मैं बना के दूं पूरा आपको यहाँ पे? सर कर लेंगे, सर कर लेंगे, सर ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। विजन मैन मतलब सर? महेश वापस बोलना क्या कह रहे हो आप, बोलो महेश। नॉर्मल विजन मैन मतलब सर? नॉर्मल विजन मैन मतलब जिसका जो कलर ब्लाइंड नहीं है, जिसको नॉर्मल कलर वो देख सकता है। नॉर्मल विजन मैन मतलब आपका नॉर्मल पर्सन है, वो कलर ब्लाइंड नहीं है, वो कलरफुल मतलब ही कैन सी ऑल द कलर्स। चलिए हम इसे बताना चालू करते हैं थोड़ा थोड़ा। सो यू हैव अ नॉर्मल विजन मैन
राइट, अगर लिखा हुआ है नॉर्मल जन तो समझ जाओ यहाँ पे डालो अपना कैपिटल सी, डालो बात खत्म, राइट। अब उनको लिखा है कि उस फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, फादर को कलर ब्लाइंडनेस था कुछ भी था, हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। मैरिज अ वुमन, इनकी यहाँ पे वुमेन के साथ शादी हो रही है, हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, राइट। तो अगर इनके फादर, ये जो लड़की है आपकी यहाँ पे जिनकी इनके साथ शादी हो रही है, इनके फादर कलर ब्लाइंड थे, सो दैट मीन्स फादर के एंड से स्मॉल सी आएगा, अगर इनके फादर कलर ब्लाइंड थे वहां पे, देन फॉर श्योर फादर के एंड से स्मॉल सी यहाँ पे आएगा, और एक आपका यहाँ पे होगा नॉर्मल सी, राइट। फादर के एंड से आपका आ रहा है और एक होगा यहाँ पे आपका नॉर्मल सी, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हो कि फादर कलर ब्लाइंड थे तो ये जो डॉटर है उनको मिलेगा यहाँ पे, उनको इनहेरिटेंस में आपका स्मॉल सी यहाँ पे मिल जाएगा फादर से, राइट। They have their first child as a daughter. What are the chances of this child would be colorblind? So, पहले इनकी लड़की यहाँ पे हुई है, right? You have to tell us that what are the chances of the daughter being colorblind? चलिए महेश बताइए क्या होगा इसका आंसर? बोलिए महेश। सर अभी नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है। शिवा हो रहा है? हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। अच्छा शिवा भी कर रहा है। तब तक सिद्धरा आप बताओ आपका क्या रहा आंसर? आंसर बताओ सर, आंसर बताओ। आंसर ही बताना बेटा, मैं थोड़ी लाइक स्कोर पूछूंगा चालू लेक्चर में। हाँ बोलो बेटा। 0% आपके रूल 0% है यहाँ पे, ओके। महेश करा 25, बाकी लड़के भी देंगे आंसर, अक्षय कुमार, प्रखर, सिद्धरा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर नहीं की अभी। करो सिद्धरा, जस्ट वन क्वेश्चन देन यू कैन हैव योर डिनर ऑल ऑफ यू। दीक्षा बताइए। सर 0%। दीक्षा के लिए 0%। जानवी क्या लग रहा है? 0% सर। अमनप्रीत 0%। अंकिता सर डी। अंकिता, अच्छा अर्चना आप बताइए, अर्चना क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी लग रहा है अर्चना आपको, 25%, ओके। काजल सर 0%। पक्का काजल? कैसा है 0%? क्रॉस करें अभी हम यहाँ पे फिर? यस सर। काजल क्रॉस करके क्या है ना, ऐसे तो नहीं कि सारे मेरे फ्रेंड्स कह रहे तो मैं भी 0% बोल दूंगी, ऐसे तो नहीं कर रहे आप? नहीं सर, क्रॉस किया है। हाँ ठीक है फिर, ठीक है चलो मैं भी कर लेता हूँ फिर। सो एक्स एक्स यहाँ पे मिलाते, एक आपके यहाँ पे कैपिटल सी, एक आपके यहाँ पे स्मॉल सी, और यहाँ पे जो हस्बैंड था वो तो यहाँ पे आपका नॉर्मल ही था, राइट। दैट इज वेरी नॉर्मल, कैपिटल सी बड़ा सा and y. तो जब मैं यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ, so what will happen? You have xx. So यहाँ पे जो होगा, you will have a capital C from the father and a small c from the mother. से यहाँ से आ गया, तो ये affected होगी या नहीं होगी ये लड़की? नहीं होगी। carrier होगी नहीं होगी? Yes sir. carrier तो होगी sir. Right. Then you have capital C over here. तो ये लड़की तो वैसे ही नॉर्मल हो गई आपकी यहाँ पे। अब आपको निश्चित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बोला था कि इनकी पहली चाइल्ड आपके यहाँ पे ये डॉटर। व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड? और बिल्कुल सही, आप सबका आंसर यहाँ पे आपका आएगा 0%। कोई चांस है ना बेटा, जो नीचे तो आपके सारे लड़के बनेंगे यहाँ पे, देयर ऑल गोइंग टू बी बॉयज ओवर हियर, और बॉयज के अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस आपको मिल सकता है कि चलो एक लड़का यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो गया, एक लड़की जो आपके यहाँ, एक लड़का जो दूसरा था आपको बन सकता है, राइट। बट लड़कियां यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे सेफ रहेंगी। सो उन्होंने क्या पूछा आपसे, देखो क्वेश्चन क्या है आपके यहाँ पे, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, राइट। व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड? सो याद रखना, द आंसर विल बी माय 0%। कोई चांस नहीं कि इनकी जो बेटी होगी वो कलर नहीं देख सकती, शी विल बी उसी तरह कैरियर हो सकती है एक बेटी, देयर इज अ चांस ऑफ 50% कैरियर, बट नो कलर ब्लाइंडनेस, राइट। तो अब आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे नहीं हो पा रहे? जितना एंगेज करोगे इनके साथ उतना आप इन्हें कर पाओगे, सिंपल सी बात है, वो हर एक लाइफ के हर एक चीज के अंदर लागू करता है। द मोर यू एंगेज विद दोस थिंग्स, यू विल हैव अ बेटर ग्रिप ऑन दैट थिंग, एज सिंपल एज दैट। तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क, राइट। एक ही क्वेश्चन है फिलहाल, दो इसके अंदर और क्वेश्चन अभी थोड़ी दिन बाद में आपके साथ शेयर करूंगा मैं, नॉट नाउ, बट यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, कोई बात नहीं, एक बार बैठो और ट्राई करो खुद से बनाने का, जो मैंने आपको बताया आज, जो मैंने आपको सिखाया वो सीख के एक बार ट्राई करो, बनेगा वो क्वेश्चन सही से, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे नीट के क्वेश्चन है 2012 2014 2016, राइट, 16 अगेन, सो यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उनके पूछने की आदत बहुत ज्यादा है, दे डू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और अगर आप देखोगे तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं, राइट। बल्कि अच्छी बात क्या है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, आपको अपना लॉजिक यहाँ पे लगाना है और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा,
इट्स नॉट लाइक मुझे याद करना है कि एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या था, वैसा कुछ याद नहीं करना है इसके अंदर. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर, यू हैव टू हैव योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड यू कैन गेट योर आंसर. ठीक है, हिमाचल टीम को सब समझ आ रहा है? मोनिका, पूर्वा, दीक्षा एंड अक्षरा, समझ आ रहा है ये सब? हिमाचल भी कई बार गड़बड़ कर देती है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद ऑल दोस थिंग्स. एंड ऑल द अदर पीपल ओवर हियर, प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल फॉर दिस, सो दैट यू हैव अ ग्रिप ऑन देम. राइट, तो याद रखना आज हमने कौन से डिसऑर्डर हमने यहाँ पे पढ़े हैं. वी हैव डन द सिकल सेल एनीमिया, राइट, देन वी हैव सीन, उसके पहले हमने देखा था हमारा यहाँ पे this thing hemophilia. That we have seen, this color blindness, that is something we have seen. तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखे थे. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कवर किया है. अच्छा ये बताओ, किसी को आज के टॉपिक के रिलेटेड एक्स्ट्रा क्लास चाहिए क्या कल दिन के टाइम पे? उत्तराखंड, हिमाचल, किसी को चाहिए एक्स्ट्रा क्लास फॉर द टॉपिक विच आई हैव डन आज के लिए? नो सर. ठीक है, अगर आंसर की भेज देना. आंसर की मैं आपको भेज दूंगा.